नमस्कार, मैं ऋचा त्यागी मिरेकल फाउंडेशन इंडिया की ओर से आपका स्वागत करती हूँ आज के वेबिनार में, जिसका शीर्षक है बच्चों के लिए सुरक्षित और स्थायी पुनः एकीकरण, सेफ एंड परमानेंट चाइल्ड री इंटीग्रेशन। आज का सेशन हम शुरुआत करेंगे एक छोटे से वीडियो से, और उससे पहले बताना चाहूंगी कि ये वेबिनार फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम भी हो रहा है। यहाँ पर चैट बॉक्स में एक लिंक दिया जा रहा है, जिसको अगर आपके नेटवर्क में और लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो बहुत इजीली फेसबुक लाइव पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम शुरुआत एक छोटे से वीडियो से करेंगे। ये वीडियो 1 मिनट का है और अंग्रेजी में है, जिसका शीर्षक है इम्पॉसिबल। ये वीडियो दर्शाता है मिरेकल फाउंडेशन इंडिया का मिशन फॉर एन ऑर्फन फ्री वर्ल्ड इन इट्स लाइफ टाइम। कैन वी हैव द वीडियो? People use before something amazing happens, before the world changes, and nothing is ever the same. At Miracle Foundation, we know all about impossible. Every day, we fight for more than 8 million children living in institutions, working hard to reunify families, one child at a time. It's a huge job with an outrageous goal, an orphan-free world in our lifetime. Impossible? Every great movement begins with impossible. They just need to end with a miracle. हम सभी जानते हैं कि परिवार बच्चे के जीवन में एक अमूल्य महत्व रखता है, और माता पिता इस जीवन का स्रोत है। माता पिता उस बच्चे की देखभाल, पोषण, उसकी तरक्की के लिए जिम्मेदार है। और जब हम बच्चों को परिवार से जोड़ पाने की बात करते हैं या पुनः एकीकरण की बात करते हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य लगता है। जैसा कि इस वीडियो में कहा गया कि बिल्कुल असंभव लगता है, लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि अगर हम साथ मिलकर बाल केंद्रित अप्रोच के साथ काम करें तो ये संभव है। परिवार आधारित देखभाल, वैकल्पिक देखभाल, जिसके लिए जो एक आंदोलन के रूप में हमारे सामने आ रहा है, जहां पर सरकार और सिविल सोसाइटी प्रतिबद्ध हैं इसको मजबूत बनाने के लिए, उसी ओर यहाँ देखा जाता है कि जब हम पुनः एकीकरण की बात करते हैं या एक सतत पुनः एकीकरण की बात करते हैं, तो ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसमें कि बहुत सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जहाँ पर हम बात करते हैं बच्चों की भागीदारी की, बच्चों से परामर्श, परिवार की बच्चों के जरूरतों की आकलन की, उनकी तैयारी की। बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा आता है जब हम संसाधनों की और सेवाओं के अभिसरण की बात करते हैं, और सरकार और सिविल सोसाइटी कितना तैयार हैं इस ओर काम करने के लिए, एक सतत पुनः एकीकरण के लिए। ये बातें बहुत जरूरी हो जाती है। आज का जो ये वेबिनार है, उसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम लोग अपनी अपने ज्ञान को, अपनी समझ को, अपने कौशल को थोड़ा सा और मजबूत बनाएं इस ओर। तो हम शुरुआत करेंगे। अभी कुछ हमारे सामने ग्राउंड रूल्स हैं जो हम देखेंगे। उससे पहले हाँ, मैं यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि ये वेबिनार जो है इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, और रिकॉर्डिंग के बाद, वेबिनार के बाद, ये रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर किया जाएगा, जो आप अपने नेटवर्क में भी इसको शेयर कर सकते हैं, दोबारा इसको देख सकते हैं। इस वेबिनार में बहुत मुख्य बात है कि आपके क्वेश्चन आंसर्स बहुत जरूरी हैं। जो आप नीचे दिए गए क्वेश्चन आंसर्स बॉक्स है, जो नीचे आपके स्क्रीन पर चैट बॉक्स के बराबर में एक Q&A बॉक्स है, उसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब आप इसमें अपने प्रश्न डालें, तो जो ड्रॉप डाउन बॉक्स आता है उसमें आप ये ध्यान रखें कि आपका प्रश्न अटेंडीज और पैनलिस्ट दोनों के लिए हो, जिससे कि सभी इस इन प्रश्नों को देख सके। और ये प्रश्न हम आप पैनलिस्ट से सेकेंड पार्ट में लेंगे, जब वो अपनी बात को कह चुके होंगे। इसके अलावा वेबिनार के अंत में एक फीडबैक सर्वे है।
आपसे रिक्वेस्ट है कि इस फीडबैक सर्वे को वेबिनार के अंत में जरूर इसको पूरा करें। अभी हम शुरुआत करेंगे एक प्रश्न से आप सबके लिए कि आज के इस वेबिनार से आपकी क्या उम्मीदें हैं, आप क्या सीखना चाहते हैं। इसको हम मेंटीमीटर के द्वारा करेंगे। मेंटीमीटर बहुत सरल सा एक टूल है। अगर आपने पहले नहीं किया है तो आपको अपने ब्राउजर में, चाहे आपने लैपटॉप से लॉगिन किया हो या फोन से, menti.com टाइप करना है, menti.com, और आपके सामने एक प्रश्न आएगा। menti.com टाइप करने पर यहाँ पर एक पासकोड आपको डालना होगा। ये पासकोड नीचे चैट बॉक्स में भी दिया जाएगा। इस वेबिनार के माध्यम से आप क्या सीखने समझने के लिए उत्सुक है? आपका जवाब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसमें भाग लीजिए और अपने उत्तर इसमें जरूर दीजिए। पीपल्स ओपिनियन, मैं समझती हूँ कि ओपिनियन पुनः एकीकरण को लेकर, परिवार आधारित देखभाल के विषय में, मिरेकल वर्क, मिरेकल फाउंडेशन के कार्य के विषय में, बच्चों को सपोर्ट करने के मेथड्स के बारे में, रीइंटीग्रेशन के प्रकारों के बारे में, अलग अलग टूल्स के विषय में, ओके, धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए हमारे बीच हमारे पैनलिस्ट हैं, मैं उनका परिचय देना चाहूंगी। सबसे पहले डॉक्टर संध्या व्यास। संध्या जी जॉइंट डायरेक्टर हैं इंदौर डिवीजन में महिला बाल विकास में, और पिछले 27 वर्षों के अनुभव के साथ यहाँ कार्यरत हैं। बहुत बहुत स्वागत है संध्या जी आपका। हमारे साथ हैं प्रभात। प्रभात सेव द चिल्ड्रन में डेप्यूटी डायरेक्टर हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन, और बाल अधिकार और बाल सुरक्षा को लेकर पिछले 18 वर्षों के अनुभव के साथ सेव द चिल्ड्रन के प्रोग्राम्स का नेतृत्व कर रहे हैं, और बहुत उनका योगदान है बच्चों से संबंधित नीतियों और जेजे एक्ट के कार्यान्वयन को लेकर। वेलकम प्रभात सेशन में एक बार फिर से। और हमारे साथ हैं हिमाली। हिमाली स्टेट कंसल्टेंट हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन स्ट्रेंथनिंग एंड अल्टरनेटिव केयर, और बहुत क्लोजली काम करती हैं गुजरात स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी यूनिसेफ और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ, खास करके परिवार आधारित देखभाल, वैकल्पिक देखभाल को मजबूत बनाने के लिए और उसमें क्षमता वर्धन करने के लिए। और हमारे साथ हैं अनूप जी। अनूप किशोर सहाय, आप आरंभ संस्था के फाउंडर हैं और पिछले 30 वर्षों के अनुभव के साथ बाल अधिकार, बाल सुरक्षा, महिला एवं बच्चों के सशक्तिकरण को लेकर प्रशिक्षण आदि में मुख्य रूप से कार्यरत हैं, और
सरकार द्वारा गठित समितियों में एक प्रमुख भूमिका भी निभा रहे हैं। हमारे साथ है संध्या मिश्रा। संध्या जो है मिरेकल फाउंडेशन इंडिया के प्रोग्राम्स का नेतृत्व करती हैं और फाउंडेशन को और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी इसका प्रतिनिधित्व करती हैं, और खास तौर पर ये एक नेशनल ट्रेनर हैं जीवन कौशल, बाल अधिकार, बाल सुरक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में। तो बहुत बहुत स्वागत है संध्या आपका और सभी पैनलिस्ट का अपना समय देने के लिए। पैनलिस्ट मैं आपको इस सेशन के की व्यवस्था के विषय में थोड़ा बता दूं। हम शुरुआत करेंगे एक वीडियो से जो कि एक यूथ एम्बेसडर द्वारा वीडियो है, और उसके बाद हम जो जो सेशन का फ्लो होगा वो मैं शुरुआत संध्या मिश्रा जी से करूंगी, फिर हम अनूप जी पर आएंगे और उसके बाद डॉक्टर संध्या व्यास अपना मत देंगी, और उसके बाद हिमाली और फिर प्रभात जी। और आप सभी को 10 मिनट का समय मिलेगा जिसमें मैं सबसे पहले एक मुख्य प्रश्न आपके सामने रखूंगी जिसको आप 10 मिनट में प्रस्तुत कर सकते हैं अपनी स्लाइड्स के माध्यम से, या अगर स्लाइड्स नहीं यूज कर रहे तो उसके विषय में बात करके। तो हम शुरुआत पहले करते हैं एक वीडियो से। ये वीडियो जो जो है एक यूथ एम्बेसडर का है जो कि हमारे चाइल्ड पार्टिसिपेशन और यूथ एम्बेसडर प्रोग्राम का हिस्सा है, और यहाँ पर वो अपनी अनुभव को प्रस्तुत कर रही हैं, खासकर पुनः एकीकरण को लेकर, और खासकर उनकी क्या भावनाएं रही हैं इस प्रोसेस में। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। ये 2 मिनट का वीडियो है। दो चीजें कहूंगी क्योंकि इसमें जो यूथ एम्बेसडर हैं उनकी मातृभाषा मराठी है पर उन्होंने हिंदी में बोलने का प्रयास किया है, और दूसरा इस वीडियो में थोड़ा सा नॉइज डिस्टर्बेंस है तो आप अपने लैपटॉप्स या मोबाइल्स का वॉल्यूम इंक्रीज कर लीजिए जिससे आप ठीक से सुन पाए। मेरा नाम मानसी है और मैं 12वीं साइंस की पढ़ाई कर रही हूँ। मैं 12 साल की थी तब मैं बाल गृह में दाखिल हुई और 5 साल वहाँ मैंने पढ़ाई की, और पिछले साल में मैं परिवार के पास आई। मुझे लगता है कि हर बच्चों को परिवार के साथ रहना बहुत ही ज़रूरी है। मैं जब बाल गृह में थी तब मुझे बहुत सीखने को मिला, जैसे कि खेलना, बुक्स पढ़ना, डांस करना, और अब मैं अपने परिवार के साथ रह रही हूँ और तभी अभी भी मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है, जैसे कि माँ की मदद करना, फ्रेंड्स के साथ रहना, उनके साथ खेलना, और मुझे यहाँ माँ का प्यार भी मिलता है। जब मैं बालगृह में थी तब वहाँ से मुझे परिवार के पास भेजना था, तब सोशल वर्कर दीदी ने मुझसे बात की और मेरे माँ से भी बात की और मेरे घर पे विजिट की और तब मुझे परिवार के पास भेजा गया। अभी भी सोशल वर्कर दीदी मेरे कांटेक्ट में है और मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ और मुझे उनका सपोर्ट भी मिल रहा है। मिरेकल फाउंडेशन के तरफ मैं एक मिरेकल फाउंडेशन की तरफ से यूथ एम्बेसडर हूँ। मैं चाइल्ड राइट्स के ऊपर काम कर रही हूँ और उसके उसके ही जानकार बहुत सारी जानकारी ले रही हूँ। मुझे बड़ों से यही कहना है कि वो जो भी फैसला ले उसका बच्चों को पार्टिसिपेशन रहना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू। थैंक यू। ये थी मानसी अपनी विचारों को व्यक्त करते हुए। ओके, तो अब हम शुरुआत करते हैं। मैं पहले संध्या मिश्रा जी की ओर जाऊंगी, और संध्या आपसे मेरा प्रश्न ये है कि मिरेकल फाउंडेशन का जो कार्य है पिछले कई सालों में और इस ओर जो जो मेथोडोलॉजी, जो टूल्स डेवलप किए गए हैं खास तौर से एक प्रभावी और व्यवस्थित पुनः एकीकरण के लिए, तो ये अगर आप हमें बता सकें कि किस प्रकार से ये जो क्रियाविधि, जो टूल्स मिरेकल ने डेवलप करे हैं कारगर हैं एक शक्ति आधारित दृष्टिकोण को उभारने के लिए, और खासकर ये देखने के लिए कि जो साधन हैं, जो संसाधन हैं, उनको हम कैसे पहचाने और उनको किस प्रकार से उनका पुनर्विभाजन कर सके। थैंक यू सो मच। धन्यवाद रिचा। सो मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए
इनके जो आपने ये सवाल किया रिचा और हमारे कुछ अनुभव है उसको साझा करना चाहूंगी। नेक्स्ट स्लाइड। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। देश भर में आप लोग जहाँ भी बैठे हैं, आज मैं मिरेकल फाउंडेशन की पुनः एकीकरण और केस मैनेजमेंट के टूल से संबंधित जो भी हमारे आंकड़े हैं, जो भी हमारा अनुभव है, वो हम आप लोगों के संग साझा करना चाहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। मिरेकल फाउंडेशन की दो इनिशिएटिव है मुख्य रूप से। पहला ये कि हम कोशिश करते हैं कि बच्चे जो हैं वो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में आने से वो ना आए, उनको रोका जा सके और हर बच्चे को एक प्रगतिशील जीवन मिले, बच्चे थ्राइव करें, ग्रो करें, जहाँ भी हो, चाहे वो CCIs में हो, चाहे वो अपने परिवार में हो। लेकिन उद्देश्य यही है कि हर बच्चा एक अपने परिवार में जाए, किसी एक दूसरे ऐसे परिवार में जाए जो बहुत ही सुरक्षित हो, प्यारा हो, और ताकि आगे जा कर के संस्थाओं की ज़रूरत कम पड़े और परिवार अपने बच्चों को खुद से देखभाल कर सकें। यही हमारा एक उद्देश्य है और हम काम कर रहे हैं इस सिलसिले में पिछले करीब करीब 3 सालों से। नेक्स्ट स्लाइड। मिरेकल फाउंडेशन 18 राज्यों में NGOs के साथ, CCIs के साथ, यूनिसेफ के साथ और राज्य सरकारों के साथ जो परिवार आधारित व्यक्तिगत देखभाल है उसकी क्षमता वृद्धि का काम कर रहा है। उसके साथ साथ हम कुछ CCIs के साथ प्रत्यक्ष रूप से भी कार्यक्रम चला रहे हैं। आज की इस वेबिनार में मैं जो बेस मॉडल का जो प्रोग्राम है उसमें जो हम काम कर रहे हैं CCIs के साथ, उसके मैं कुछ आपके साथ अनुभव साझा करना चाहूँगी और उसके अलावा दूसरे प्रोग्राम के बारे में मैं बताना चाहूंगी मैं आपको। नेक्स्ट स्लाइड। जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी कि परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जो कि माइंडसेट को बदलता है, मान्यताओं को बदलने का को बाध्य करता है। तो जब हम मान्यताओं को बदलने की बात करते हैं तो ये एक नए तरीके का केयर है बच्चों के लिए, जो कि परिवार की बात कर रहे हैं, समुदाय की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बच्चों के हर अधिकार का सम्मान होना है, उनको सुनना है, जो मानसी ने अभी बोला उससे हमें फायदा होगा। हमेशा कोशिश ये करना कि बच्चे अपने परिवार में जाएं जहां तक हो सके, और अगर हम किसी संस्था के बदले हम कोई दूसरी सुविधा अगर बच्चों के लिए कर रहे हैं, दूसरी सेवाएं बना रहे हैं, तो वो सेवाओं में लचीलापन होना चाहिए, परिवार और बच्चों के जो जरूरत है उसके हिसाब से होना चाहिए। जो कहते हैं कि वन साइज फिट्स ऑल, वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। कोशिश ये करना चाहिए कि जो बच्चे रिस्क पे हैं या जो बच्चे को प्राथमिकता देना है उनको हम पहले चुने, जैसे कि दिव्यांग बच्चे हुए, नवजात शिशु हुए, क्योंकि शायद हो सकता है कि उनके ट्रांजिशन में टाइम लगे, बट उसके साथ साथ हमें दूसरे बच्चों पे भी ध्यान देना है। दुनिया भर में बहुत सारे प्रशिक्षित लोग हैं जो परिवार और बच्चों के लिए काम करते हैं, हमें उनको शामिल करना चाहिए इस ट्रांसफॉर्मेशन में, और उसके साथ साथ जो ऑलरेडी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, ICPS है, विलेज चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज हैं, ये सारी चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना है बजाय इसके कि हम कुछ नया बनाएं। और इन सब के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो राजनीतिक इच्छा शक्ति उसका होना बहुत ज़रूरी है, और हमें खुशी है कि भारत एक बहुत ही प्रगतिशील देश है इस सिलसिले में, परिवार आधारित देखभाल में, और बिना CWC के, बिना डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के कंसल्टेशन के बगैर हमें कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। केस मैनेजमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि हर बच्चा परिवार जो है वो एक अपने फाइनल उसका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सके, और उसके लिए बहुत ही ज्यादा व्यक्तिगत केयर और सेवाओं को ध्यान में रखना है। ये एक केस मैनेजमेंट की परिभाषा है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम नंबर पे ध्यान ना दें कि कितने बच्चे जो हैं वो अपने CCI से बाहर गए, नंबर इम्पॉर्टेंट नहीं है। बच्चे अपने घर जाकर के भी विकसित हो रहे हैं, प्रगतिशील जिंदगी जी रहे हैं, ये हमारे लिए मुख्य है। नेक्स्ट स्लाइड।
और ये हमेशा कोशिश ये है कि जो केस मैनेजमेंट है वो बच्चों पे केंद्रित होना चाहिए, सतत होना चाहिए, इसके किसी भी चरण में रुकाव नहीं आना चाहिए। अगर ये रुकेगा तो फिर ये केस मैनेजमेंट जो है वो प्रभावशाली नहीं हो सकता, और इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जो भी काम कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। मिरेकल फाउंडेशन अपने वर्षों के अनुभव के हिसाब से ग्राउंड में काम करने के साथ साथ हमने केस मैनेजमेंट टूल किट का इस्तेमाल किया, विकसित किया है, जो हमारे वेबसाइट पे भी है। और ये जो जैसे रिचा ने बताया, ये परिवार, समुदाय और बच्चों के शक्ति पे आधारित है, उनके कमजोरियों पे नहीं। तो इसके बारे में हम थोड़ा और आगे चर्चा करेंगे। जब हमारा उद्देश्य ये होता है कि बच्चे जो हैं वो अपने परिवार में जाएं या फिर कोई दूसरा परिवार आधारित व्यक्तिगत देखभाल हो, इसके लिए हम केस मैनेजमेंट प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। केस मैनेजमेंट प्रक्रिया जो है दो उसके लिए परिस्थिति होती है। जो पहली परिस्थिति है वो ये है कि या तो बच्चा CCI में है या फिर अपने घर जा चुका है, वहां पर हम एक मानक केस मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम स्टैंडर्ड केस मैनेजमेंट कहते हैं। जो दूसरी परिस्थिति है वो ये है कि कोई अचानक आपातकालीन अवस्था आ गई, जैसे कि फ्लड है, सिविल अनरेस्ट है या फिर कोविड जैसी समस्या जो हमारे सामने है। ऐसे हालत में जब बच्चे अपने परिवार में जाते हैं तो वहां पर एक्सपेडाइट केस मैनेजमेंट, यानी कि शीघ्र रूप से जो केस मैनेजमेंट किया जा सके वो हम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जो केस मैनेजमेंट का फ्लो चार्ट यहाँ आपको दिख रहा है, इसमें आपको कुछ 6 चरण दिख रहे होंगे, बहुत मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ यहाँ पर। लेकिन ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब बच्चा पहले चरण में आपको दिख रहा होगा इनटेक लिखा हुआ है, एडमिशन, यानी कि जब बच्चा CCI में आता है उसी दिन से केस मैनेजमेंट शुरू हो जाता है। कि उद्देश्य यही है कि बच्चा जो है वो अपने परिवार में जाए या अपने समुदाय में या दूसरे किसी परिवार में जो जा सके वहां जाए वो, क्योंकि CCI बच्चे का लक्ष्य नहीं है, वो एक लास्ट रिजॉर्ट है अल्टरनेटिव केयर के लिए। तो इसीलिए हमें उसकी बहुत अच्छे से आकलन करते रहना पड़ेगा, चाहे बच्चे हैं चाहे परिवार हैं। और ये आकलन केवल दूसरे स्टेप पे खत्म नहीं होता है, ये आकलन चलता रहता है। ये आपको परिवार के साथ मिलके योजना बनाने में, जैसे मानसी ने बताया, उसके अलावा उसको हम जब बच्चे को उसके घर में वापस भेजते हैं उस वक्त में हर वक्त जरूरत होती है इसकी। तो ये जो कुछ भी होना चाहिए वो बच्चों के और परिवार के रजामंदी से, उनके भागीदारी से, आकलन का बार बार इस्तेमाल करके हमें करना चाहिए। और एक बार जब बच्चा अपने घर चला जाता है उसका फॉलो अप और मूल्यांकन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा काम बिल्कुल ख़त्म नहीं होता है अगर बच्चे घर चले गए तो। हमारा काम तब ख़त्म होगा जब बच्चा और परिवार कहता है कि हम अपने आप को बहुत अच्छे से देख सकते हैं और आपके पास उसके एविडेंस हैं। और ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत ही कर रहे हैं, केस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में ही हम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो हमने ECM की बात की, जो हम कोविड के टाइम हमने इस्तेमाल किया था, उसमें सबसे पहले हमने ये भी उसी सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन अंतर ये हो गया कि हमें बच्चों के साथ आकलन और तैयारी तब करनी पड़ी जब बच्चे अपने ऑलरेडी घर जा चुके थे। तो सीक्वेंस में थोड़ा सा चेंज हुआ हमारे सामने। तो हमने सबसे पहले उन बच्चों को प्रायोरिटाइज किया, प्राथमिकता दी, जो बच्चों को हमें लगा कि वो बच्चे अपने परिवार में स्थायी रूप से प्लेस हो सकते हैं। उसके बाद हमने उनकी सेफ्टी का असेसमेंट किया, जो कि होप एंड होम्स चिल्ड्रन की रिस्क असेसमेंट की टूल का हमने इस्तेमाल किया। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो हमने होम थ्राइव स्केल का इस्तेमाल किया, जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की कि उस बच्चे की नीड क्या है और उसके लिए क्या हस्तक्षेप करना चाहिए। और फिर चौथे स्तर पर रिकमेंड किया गया, क्या वो बच्चा रह सकता है अपने घर में या उसको CCI आना पड़ेगा, किसी और उसको सर्विसेस चाहिए उसको, ये रिकमेंडेशन हमने की। हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, हमने बच्चों के और परिवार के भागीदारी का को भी ध्यान में रखा। नेक्स्ट स्लाइड। जितना अच्छा आकलन होगा, जितनी ज़्यादा आपके पास जानकारी होगी, उतना अच्छा आप निर्णय ले सकते हैं। इसीलिए हमने JJ फॉर्म, इंडिविजुअल केयर प्लान और सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का हमने कुछ एडिशन किया है जो रेड कलर में है, हमने कुछ भी डिलीट नहीं किया है। और इसका बहुत अच्छा प्रभाव है, जो कि हमें CCI से भी सुनने को मिला है और हमें जो सरकारी अधिकारी जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर जो DCPUs जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका भी हमें बहुत अच्छा इम्पैक्ट उनसे सुनने को मिला है।
नेक्स्ट स्लाइड. असेसमेंट की जब मैं बात कर रही हूँ, सेफ्टी की जब बात कर रही हूँ, तो इन चार क्षेत्रों में हमने सेफ्टी की बात की है, जहां पर पेरेंट के लेवल पे परिवार, माता पिता के लेवल पे क्या जोखिम है, परिवार के लेवल पे क्या जोखिम है, चाइल्ड जो है बच्चा है उसके लेवल पे क्या जोखिम है, और जो वातावरण है उस स्तर पे क्या जोखिम है, इसका असेसमेंट हमने किया. नेक्स्ट स्लाइड. ये जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है होम थ्राइव स्केल को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये 5 वेलबिंग डोमेन यानी कि 5 वेलबिंग डोमेन के स्तर पे हम इसका आकलन करते हैं 1 से 4 की रेटिंग पे. अगर 1 है इसका मतलब इमीडिएट हमें अटेंशन देना है, और 4 है इसका मतलब अटेंशन देने की जरूरत नहीं है, बच्चा और परिवार अपने से संभाल सकते हैं अपने आप को बहुत अच्छे से, जो कि फैमिली सोशल रिलेशनशिप पे है, परिवार की आर्थिक स्थिति पे है, शिक्षा पे है, मानसिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य पर है, और उनके जो जिस तरह की स्थिति में वो रह रहे हैं उसके ऊपर है. इस टूल को हम और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये फोन पे भी उपलब्ध है, डिजिटल भी है, लिंक भी है, और इसके इसको पेपर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है. मैं कुछ आपको, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, मैं कुछ मिरेकल की जो पिछले 3 सालों में हम काम कर रहे हैं उसका मैं थोड़ा सा एक छोटा सा लेखा जोखा देना चाह रही हूँ, कि 2 पायलट प्रोजेक्ट हमारा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है, जहाँ पर हम फैमिली बेस्ड केयर, ऑल्टरनेटिव केयर को एक पायलट के माध्यम से दिखा रहे हैं, जिसको अनुप जी इसके बारे में बताएंगे और संध्या जी भी इसके बारे में बात करेंगी. स्ट्रैटेजिक रिव्यू जो है उसके तहत हम, ये टूल है जो बहुत अच्छा प्रभावशाली टूल है जो हमारी टीम इस्तेमाल कर रही है, जो एक्सपेडाइट केस मैनेजमेंट से रिलेटेड एक आंकड़ा मैं देना चाहूंगी कि करीब करीब 272 बच्चे अपने परिवार में गए, और वहाँ पे करीब करीब आप देख सकते हैं कि 51% ऐसे बच्चे थे जो कि हमें है कि वो बच्चे अपने परिवार में हमेशा के लिए रह सकते हैं, जिनमें से करीब करीब 79 बच्चे ऑलरेडी अपने परिवार में स्थायी रूप से जा चुके हैं CWC के परमिशन के साथ. इसके साथ साथ हमने सरकारी अधिकारी जो हैं उनके साथ भी कैपेसिटी बिल्डिंग चालू रखा है. गुजरात में उन्होंने ECM का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, जो हिमानी जरूर बताना चाहेंगी. केस मैनेजमेंट टूल के माध्यम से हमने करीब करीब 113 परिवारों को सोशल प्रोटेक्शन स्कीम से जोड़ा, और क्रॉस लर्निंग को हमने बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया है. नेक्स्ट स्लाइड. जो हमारी मेजर लर्निंग है, जो हमारे अकम्पलिशमेंट भी कह सकते हैं और हमारे चैलेंजेस भी कह सकते हैं, कि CCI का इस ट्रांसफॉर्मेशन में उनका जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उनकी नॉलेज है, उसको बदलने में बहुत टाइम लग रहा है. इतना आसान नहीं है, ये एक स्लो प्रोसेस है, जिससे इसके लिए हमें बहुत संयम की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हम मान्यताओं को बदलने की ज़रूरत हो रही है. यहाँ पर हम कुछ केवल बाहर से कोई चीज़ बदलने की बात नहीं कर रहे हैं. इसके साथ साथ परिवारों के भी मान्यताओं को बदलना, उनके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, उनको समझ में आना कि क्यों बच्चों के लिए परिवार ज़रूरी है. CCI टीम के साथ कभी उनको कमी होती है, कभी उनको लगता है कि मेरे पास टीम नहीं है, लेकिन किस तरह से उन्हीं टीम को हम डिप्लॉय कर सकते हैं परिवार के लिए, ये देखने की ज़रूरत है. चाइल्ड एंड फैमिली असेसमेंट सतत प्रक्रिया है, वो हमेशा रहनी चाहिए प्रभावशाली तरीके से. हमें ये भी महसूस हुआ कि जो समुदाय में जो उपस्थित सेवाएं हैं वो या तो फंक्शनल नहीं है, या उसमें बहुत सारी कमियां हैं, जिसका बहुत बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हम लोगों को सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी है और हम उनके साथ काम कर रहे हैं. कहीं पे बहुत अच्छा हमें अनुभव भी हुआ है, जहाँ पे आशा वर्कर ने हमें सपोर्ट किया है. इसीलिए लिंकेजेस बहुत ज़रूरी है, जो भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और जो आपके जो लोग काम कर रहे हैं उनको शामिल करना बहुत ज़रूरी है. और ये बहुत ध्यान देना है सरकार की तरफ से कि जो फंड्स हैं, अगर बच्चे परिवार में गए हैं तो फंड्स भी परिवार तक जाना चाहिए, फंड्स जो है वो CCI तक रुका नहीं रहना चाहिए. तो ये कुछ हमारे लर्निंग है इस आंदोलन के. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो हमारा जो वे फॉरवर्ड है, ये सिर्फ मिरेकल फाउंडेशन का वे फॉरवर्ड नहीं है, ये इस तरह हमारी जैसी जो भी संस्थाएं यहाँ पे काम कर रही हैं उनका ये एक वे फॉरवर्ड आप कह सकते हैं. एडवोकेसी हर लेवल पे करना है, टेक्नोलॉजी का काफ़ी इस्तेमाल करना है, ताकि जो सोशल वर्कर एक परिवार में जाके भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके, ये सिर्फ हम लोगों के लेवल तक रुका नहीं रह सके. हर लेवल पे पार्टिसिपेट करना, जैसे कि ये वेबिनार एक माध्यम है, अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को आपको शेयर करना. हम ये उम्मीद करेंगे कि इंडिया के पास एक वेल ट्रेंड रिसोर्स हो, वर्कफोर्स हो,
आने वाले दिनों में मिरेकल फाउंडेशन काफी ट्रेनिंग्स करने वाले हैं, हमारा आने वाले समय में प्रिवेंशन पे काफी प्रोजेक्ट्स हम करने वाले हैं जिसमें हम कम्युनिटी के साथ काम करेंगे, जहाँ पे सोशल वर्कर नहीं है वहाँ पे कम्युनिटी लीडर्स, एजुकेटर्स, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको कैसे तैयार किया जा सके ताकि किसी मिरेकल फाउंडेशन की या किसी और संस्था की जरूरत ना पड़े किसी समुदाय को अपने बच्चों को देखभाल करने के लिए, वो समुदाय खुद से अपने बच्चों का देखभाल कर सके, सुरक्षा उनको प्रदान कर सके। तो ये हमारे कुछ आने वाले समय में है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो मैं आप सब लोगों को एनकरेज करूंगी कि प्लीज आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, आप हमारा एक ईमेल आईडी है safelyhome@miraclefoundation, उस पर आप लिखिए आपको जो लिखना है, जो सवाल हैं, और इंडिया ऑल्टरनेटिव केयर नेटवर्क जो एक नेटवर्क है प्लीज आप उनके वेबसाइट पे जाइए, जो कि आप वहां से भी काफी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है, क्योंकि ये एक डेटा है कि 64% बच्चे अप्रैल से लेकर अब तक पूरे देश भर में अपने घर जा चुके हैं लेकिन तैयारी नहीं हुई है उनके साथ। तो हम जैसे लोग, आप जैसे लोग ही उनके साथ तैयार रहेंगे उन परिवार को और बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, ताकि फिर से बच्चों को CCI में आना ना पड़े, और अगर वो वहाँ परिवार में हैं तो उनको पूरा सपोर्ट मिले। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू संध्या। एक ये पूरा हमको अवलोकन देने के लिए जो पूरी प्रक्रिया है, कि मुख्य रूप से आपने जो सिद्धांतों की बात करी वो बहुत ही अहम है, और पूरी प्रक्रिया खास तौर पर से जो बात मेरे साथ मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगी वो ये थी कि नंबर्स इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बच्चे जब वापस जा परिवार में जा रहे हैं तो वो विकसित होते रहे। तो केस मैनेजमेंट की प्रक्रिया निरंतर है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो खत्म हो जाती है जब बच्चे परिवार में चले गए। और फॉलो अप की जो आपने बात कही, दिस जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अब अगले जो हमारे पैनलिस्ट हैं अनूप जी, जो संध्या ने हमारे साथ शेयर किया, और संध्या ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि आरंभ का पायलट प्रोजेक्ट है, जो मिरेकल फाउंडेशन का सौभाग्य है कि हम और आरम के साथ पिछले कई वर्षों से कार्य की हो रहा है, और ये पायलट प्रोजेक्ट खास तौर पर है परिवार आधारित देखभाल और किस प्रकार से पुनः एकीकरण को कार्यान्वित किया जाए। तो आपसे अनुरोध है कि आप जो संध्या ने जो चीजें बताई, शायद उसका जो एक व्यवहारिक स्वरूप है वो आप हमें दे पाएंगे कि किस प्रकार से वो अनुभव कैसा है, और खासतौर पर जानना चाहूंगी जो संध्या ने कहा कि हम जो एक मानसिकता है, एक माइंडसेट जो है परिवारों का, सिस्टम का, उसकी ओर भी काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ा प्रकाश डालिएगा कि किस प्रकार से आप देख रहे हैं परिवार क्या सोच रहे हैं, क्या सहयोग मिल रहा है, क्या वो हो रहा है। आपके साथ पास 10 मिनट का समय है। ओके, नमस्कार सभी बाल मित्रों साथियों का मेरा नमस्कार। जिस तरह से संध्या जी ने जो बातें रखी हैं, हम किस तरह अपने CCI में उसको ट्रांसलेट करते हैं, किस तरह से बच्चों के साथ काम करते हैं, मेरा प्रेजेंटेशन उसी के ऊपर रहेगा। साथियों, हम ये जो बातें हैं उसमें हम सब मानते हैं कि परिवार बच्चों के विकास के साथ रहना बच्चों का मूलभूत अधिकार भी है, जो हम नहीं बल्कि UNCRC और JJ Act के सिद्धांत भी कहता है। आरंभ संस्था मात्र इन सिद्धांतों पर पहल और समर्थन करती है, जो मिरेकल फाउंडेशन के पूर्ण सहयोग और WCD इंदौर डिवीजन के पूर्ण सहयोग से परिवार आधारित देखभाल कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु तो एक प्रयास है। जिस तरह से हम लोग काम करते आ रहे हैं, प्रेजेंटेशन का स्लाइड्स को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं इसको, जो पर्सपेक्टिव है आरंभ संस्था का, क्योंकि हम 30 वर्षों से मध्य प्रदेश के बच्चों के विकास और समुदाय विकास के लिए काम कर रहे हैं, और 30 वर्षों के दौरान में इंदौर शहर में बच्चों के साथ एक इंस्टीट्यूशनल केयर के माध्यम से जो हमने काम शुरू किया था वो सन 2000 में, और जहाँ हमने 100 बच्चों के साथ काम करना प्रारंभ किया। सन 2020 तक मात्र 36 बच्चे रह गए थे वहां पर, ये मान के चला था
कि बच्चों को कैसा भी वातावरण जो हम हैं वो संपूर्ण विकास हेतु कार्य में हम जुड़े घर की तरफ वापस करने का जो प्रयास होगा और जो इन सिद्धांतों का हम एक सफल तरीके से एक पायलट कर सके, इसका काम हम लोगों ने शुरू किया। विचारधारा देखा जाए तो हम ये भी मानते हैं, सभी लोगों का ये मानना है कि अनूप जी, एक आपकी आवाज सुरक्षित बीच में परिवार बच्चों के विकास के लिए श्रेष्ठ वातावरण होता है। माता पिता जो विस्तारित परिवार देते हैं, क्या हम उनके साथ भी जाकर करें? अभी ठीक आ रहा है? हाँ, हेलो, बीच में थोड़ा सा आवाज, शायद आपका इंटरनेट कनेक्शन वीक हो गया था। आप अपना वीडियो ऑफ करके देखिए अनूप जी, शायद आवाज ठीक से आए। आपको आवाज आ रही है अनूप जी? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट पर हैं शायद। नहीं, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। हाँ, अभी थोड़ा इसे कनेक्ट कर लीजिए। हाँ टाइम अनूप जी, अभी आ रही है आवाज? आ रही है आवाज? हाँ जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है। ठीक ओके ओके है, सॉरी। नो प्रॉब्लम। अब नहीं आ रही है। आप म्यूट पर हैं अनूप जी, आप म्यूट पर हैं अभी, म्यूट साइन ऑन है। अनुप जी, आप म्यूट पर हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कुछ, हाँ, हेलो, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अब अनम्यूट हो गया। कोई बात नहीं, हाँ, अभी हम ठीक से सुन पा हेलो रहे हैं। हम आपको सुन जी। पा रहे हैं अनुप जी, या आप? अच्छा हाँ हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं, आगे जी, बढ़िए। एबीसी प्रक्रिया में जो अभी तक का जो माइलस्टोन है, पिछला जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि मार्च 2019 से लेकर विगत 1 माह 9 माह 1 वर्ष 2 माह के आधार पर, तो हमने ये देखा है कि बच्चों के साथ में काम करते हुए जो सबसे जो पहला चीज होता है कि जो बच्चे हमारे साथ रह रहे थे उनका किस तरह से हम आकलन कर पाए कि ये बच्चे कहाँ से आ रहे हैं हमारे साथ, कहाँ से ये बच्चों का आना हुआ है, क्यों बच्चे आए हैं, इसको हम सही तरह से मैपिंग कर सके। और इस मैपिंग के दौरान में हमने हॉटस्पॉट क्षेत्रों का पहचान के कि बच्चे कहाँ से आ रहे हैं। और ये जो सीसीआई में काम प्रारंभ हुआ था मार्च में, इसका पहला काम हुआ कि हॉटस्पॉट का पहचान करना, रिसोर्स मैपिंग में ये भी देखना कि उन गांव में जहां से बच्चे आते हैं सरकार की कौन कौन सी ऐसी योजना है जो वहां पर चल रहे हैं, ऐसे कौन सी सीएसआर के माध्यम से उन्हें बच्चों को हेल्प किया जा सकता है, और कौन ऐसे गैर सरकारी संस्थाएं वहां काम कर रही है। हमने ये भी देखने का प्रयास किया कि कार्यनीति समीक्षा में विश्लेषण की तैयार की और नियमित अंतराल से फॉलोअप किया। ये भी बहुत जरूरी होता है कि जिन तरह बच्चों को हम अगर घर भेजने का प्रयास कर रहे हैं तो बच्चों के साथ में हमें उन्हें समझाने की जरूरत है, उन्हें समझाने के साथ साथ प्रेरणादायक चर्चा उनके साथ में की गई, परामर्श के साथ साथ परिवार के पुनर्मिलन जो हम करना चाह रहे हैं उनका होम विजिट की तैयारी हमने अप्रैल 2019 से ही प्रारंभ कर दिया था। एबीसी पर विचार लेने का और जो हमारा एकीकरण मत पर उन स्थिति को समझाने के लिए बच्चों और उनके माता पिता के साथ में बहुत से चर्चाएं की गई, मीटिंग्स की गई और जो अभी भी निरंतर है। अब तक
36 बच्चों का, जैसे हमने आपसे बात की, उन 36 बच्चों के SIR हमने पूरा किया, उन बच्चों के ICP 36 बच्चों के पूरे हुए, जिसके भाग ऑल और 18 बच्चों के साथ भाग बी, और ऐसे पूरे बच्चों के साथ में अभी प्रयास किया जा रहा है कि भाग बी और सी को हम पूरा करें, और प्लेसमेंट योजना के आधार पर उनका हम ये भी प्रयास करें कि क्या उनके साथ कोई जोखिम है तो उसे कैसे कम करें, किस तरह से वो मध्यम कैटेगरी के अंतर्गत आए और या उच्च स्थिति में हम पहुंचाने की कोशिश करें। तो ऐसे में काम करना बहुत जरूरी है, मध्यम में रहेंगे तो हमें उनके साथ में काम करने की जरूरत होगी, और अगर बहुत उच्च स्थिति में है तो हमें ये देखना होगा कि उस बच्चे को अभी भेजा जाना सुरक्षित है या नहीं। पूरे बच्चों के लिए ये कार्यक्रम निरंतर जारी है। इसके साथ साथ हमने केस मैनेजमेंट प्रक्रिया को भी पूरा किया और SIR और ICP कार्य को हमने पूर्ण कर लिए। बच्चों और परिवार के साथ परामर्श के बाद प्रत्येक स्तर पर हमने ये भी देखा कि विकसित योजना जो इवॉल्विंग प्लान है वो कैसे अपडेट कर सके, और इसी परिक्रम में हमने देखा कि 11 बच्चों को अगर हम 12 पास कर जाते हैं तो उनके उच्च शिक्षा की योजना के अंतर्गत किस तरह से उन्हें मदद जारी कर सके। बच्चों के प्रक्रिया के माध्यम से फिर से परिवार के साथ एकजुट होकर बाकी बच्चों की प्रक्रिया के अंतर्गत कोरोना के नियमों का पालन करते हुए वर्तमान में जारी है, और जितने भी पालक हैं उनके साथ में ऑनलाइन रिमोट मीटिंग का आयोजन भी हम करते आ रहे हैं, जिससे कि उनके साथ में हमारे निरंतर संबंध बना रहे और हम ये प्रयास करें कि निरंतर चर्चा भी उनके साथ में जारी हो। ये एक बहुत प्रयास है जिसके साथ में हमें यह भी देखना होता है कि क्या वो बच्चा के बारे में जिस तरह से हम सोच रहे हैं कि परिवार में जाएगा तो वो सुरक्षित है, तो इस प्रक्रिया को करने में बहुत से रेगुलर फॉलोअप जरूरत होती है, बहुत से विजिट की जरूरत है, जिस तरह से हम काम करते आ रहे हैं उनके मार्ग ले रहे हैं। हमें इस बात की खुशी है कि WCT विभाग के साथ जुड़ाव और सितंबर 2019 में FBC का आयोजन करने का हमें मौका मिला, और जो आगे चलकर नवंबर 2020 में इंदौर, और हम लगातार उनके मार्गदर्शन और समय समय पर उनका जो भी सहयोग होता है हम आपसी चर्चा के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाने का काम करने का प्रयास रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है। साथियों मैं ये बताना चाहूंगा कि एक सफल केस स्टडी के रूप में आप देख पा रहे हैं कि एक बच्चा जो अपने परिवार के साथ खड़ा है, इस बालक ने सन 2009 में इंस्टीट्यूशन में दाखिला लिया था, और संस्था का जो सबसे जो मुख्य कारण जो देखा गया कि उस वक्त 2009 में जो बच्चे का आने का जो कारण बना वो सबसे ज्यादा था कि बच्चा बड़ा परिवार से है, परिवार की स्थिति जो है आर्थिक रूप से जितना अच्छा नहीं है, और बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन उस गाँव में शायद उसके वहां पर शिक्षा की सुविधा नहीं थी। माता पिता के साथ जुड़ाव, पेरेंट्स मीटिंग्स, होम विजिट के माध्यम से हमने कोशिश की कि उस बच्चे के लिए उस कैसे घर वापसी का कार्य को हम कर पाए। बच्चों के साथ फोकस ग्रुप डिस्कशंस किया गया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, जिसमें बच्चों के बहुत से ऐसे सुझाव थे जो हम लोगों ने लेने की कोशिश की। बच्चों का डर खत्म किया गया, बच्चे घर वापस जा रहे हैं उन्हें काफी उनका डर था कि किस तरह से वो वहां पर थे, इस तरह से रह पाएंगे, क्योंकि एक माहौल जिस तरह से हम देते हैं बच्चों को CCI के अंदर में, और बच्चा को लगता है कि घर जाने के बाद में क्या वो माहौल उन्हें मिल पाएगा, तो इसे दूर करना भी बहुत जरूरी था, जिसमें बच्चों के पार्टिसिपेशन को हमेशा इंश्योर किया गया और उसे हमने पूरा करने के प्रयास किए। परिवार का आकलन SIR के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से की गई। ICP बच्चों की इच्छा और आकांक्षाओं को भी समझने का हमें मौका मिला ICP करने के माध्यम से, और इस बच्चे को हम लोगों ने ये देखा कि क्या उस बच्चे के लिए वर्तमान में उसका घर सुरक्षित रहेगा या नहीं। इस तरह से जब बच्चों से बात की गई और उस बच्चा का ये कहना था कि वो इंदौर शहर में आकर आगे की पढ़ाई करना चाहता है, क्योंकि 12th पास करने के बाद में उसकी ये इच्छा है कि वो आगे पढ़े और पढ़ने के बाद वो एक अच्छा काम कर सके जिससे कि उस परिवार को वो मदद पूरी कर सके। तो उसका ये मानना था कि मैं अपने चाचा के साथ में इंदौर में जो उसके चाचा रहते हैं उनके साथ में रहना चाहूंगा, और मुझे वहां पर आप मुझे
भेजने का, जो भी जैसा भी हो मैं चाचा के साथ रहकर पढ़ना चाहता हूँ। ये एक बहुत अच्छा उस बच्चे का डिसीजन था, जो वो चाहता था कि चाचा के साथ में रह के पढ़े। तो हम उसके चाचा के घर में विजिट किए, हमारा पूरा टीम विजिट किए, और विजिट करने पर यह पाया कि चाचा बहुत ज्यादा ऐसे भी नहीं थे कि उनका उम्र ज्यादा है, और वो भी एक स्टूडेंट के रूप में अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, कुछ नौकरी की तैयारी कर रहे थे कि जिससे उन्हें कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। ऐसे स्थिति में यह भी देखना बहुत जरूरी था कि क्या उस बच्चे को इनके साथ में रखकर हम एक सुरक्षित माहौल दे पाएंगे या नहीं। इसके लिए हमारा टीम पूरा एसआईआर का दूसरा उस बच्चे के चाचा के साथ में बैठकर पूरा की, चाचा के घर का आकलन किया, और ये देखा कि चाचा के साथ में बच्चा ज्यादा कंफर्टेबल है और पढ़ाई भी कर सकता है। उस बच्चे के प्लेसमेंट प्लान और रिस्क असेसमेंट करने के बाद में ये देखा गया कि बच्चा वहां सुरक्षित रहेगा, और उस बच्चे के चाचा के लिए भी हम लोगों ने यह प्रयास किया कि उनके साथ में हमारे जो मेंटल रिसोर्स हेल्थ पर्सन है वो भी बार बार विजिट करें, बातचीत करें, और उन्हें इतना ज्यादा सबल बनाए कि उस बच्चे को वो पूरा ध्यान दे सके और उस बच्चे की पढ़ाई में भी उसका साथ दे सके। पुनर्निवास में जब हम देखते हैं कि बच्चे की परिवार वापसी अगस्त 2019 में किया गया, वो बच्चा काफी खुश है पढ़ाई के साथ साथ, उसकी पोस्ट प्लेसमेंट प्लान की फॉलोअप हम बराबर ले रहे हैं, और बराबर उसके साथ में हम टेलीफोन के साथ में संपर्क कर रहे हैं। कोविड महामारी के दौरान भी हम लोगों ने यह भी प्रयास किया कि उस बच्चे के प्लेसमेंट में सहायता जारी रहा और उस बच्चे को किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, हमारा टीम उसके साथ में लगी रही। वर्तमान में अगर स्थिति देखें तो बच्चा परिवार के साथ में है, वो ग्रेजुएशन की तैयारी करने का पूरा लक्ष्य बना रहा है और साथ ही एक कंप्यूटर पाठ्यक्रम में भी भाग ले रहा है। यह मानकर चलते हैं कि बच्चा एक रास्ता पकड़ लिया है, उसके घर की स्थिति के साथ में किस तरह से आगे बढ़ना चाहता है, उस चीजों को लेकर हम लोगों के प्रयास उस बच्चे के साथ में बाकायदा जारी रहेगा। काम के दौरान में चुनौतियां भी बहुत सी आती है, भी देखा जाता है कि जब हम चुनौती की बात करें तो काम आसान नहीं होता है कि बच्चे सभी बच्चों को घर में हम एक साथ भेज पाए। बात बहुत सही है जिस तरह से संध्या जी ने बताया कि बच्चों का हम नंबर की बात नहीं करते हैं कि हम किस तरह से बच्चों को, कितना बच्चों को हमने घर भेजा। हमारा यह प्रयास रहता है कि बच्चों को अगर हम घर भेज रहे हैं तो सभी बच्चों की स्थिति एक जैसे नहीं होती है घरों पर, और हमारे लिए हर एक बच्चा इंपॉर्टेंट होता है। इस बच्चे के साथ में भी इसी तरह से सन 2008 से हम जुड़ चुके थे और 11 वर्ष तक ये बच्चा हमारे साथ में रहकर 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। संस्थागत अगर हम बात करें तो इस परिवार में भी पारिवारिक स्थिति के उतना ज्यादा अच्छी नहीं थी। बालक पढ़ना चाहता था लेकिन घर में पापा, उसके जो फादर हैं, उसके जो पिता हैं, वो काफी ज्यादा शराब पीते थे वो, और घर में काफी ज्यादा मार पिटाई और बच्चों के साथ में घर के अन्य सदस्यों के साथ में घरेलू हिंसा भी देखा जा रहा था। ऐसे स्थिति में सफल प्लेसमेंट की यात्रा के अंतर्गत आरएम टीम के द्वारा केस मैनेजमेंट की पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया, जिससे हमने ये देखा कि बच्चे की इच्छा और सहभागिता जो है उसमें वो ये चाहता है कि वो पढ़ाई करे। और ऐसे में जब हमने होम विजिट की, सब कुछ किया, लेकिन हमने ये बात पाया कि उस बच्चे को आज के दिनांक में अगर हम घर भेजना चाहेंगे तो शायद ये हमारे लिए सफल प्रयास नहीं होगा। जब ये देखा जा रहा है कि उस बच्चे के साथ में हम अब क्या करें, तो उस बच्चे के माता के साथ में बातचीत की, उस पिता के साथ में काम करने का पहले प्रयास किया कि क्या हम उस पिता को जो काफी ज्यादा शराब के नशे में रहता है उसके साथ में हम काउंसलिंग कर पाए। काउंसलिंग के दौरान में काफी हद तक हम उनके पिता के साथ लगे रहे और कोशिश किया कि रेड क्रॉस नशा मुक्ति केंद्र से उन्हें जोड़कर उनके आदतों में सुधार लाया जा सके। इस बीच में हमारे जितने भी कोशिश थी उस हमने ये पाया कि कोशिश के दौरान उसके पिता के साथ में हमने ये देखा कि वो पीना कम कर दिया, और साथ ही साथ ये भी देखा कि उस पिता के साथ में वो बच्चे का भी ध्यान काफी ज्यादा जुड़ने लगा और वो चाह रहा था कि पिता और भी नशे से मुक्त हो जाएं और परिवार को अच्छी तरह से देखना प्रारंभ कर दें। आईसीपी रिपोर्ट में जब हमने यह बात उठाई, देखा कि बच्चे के हित में क्या आगे आ रहा है,
तो वो बच्चा ये कहने लगा कि सर मैं पढ़ना चाहता हूँ और आगे पढ़ाई जारी रखना चाहता हूँ, जिसके वजह से मैं किसी तरह से सेमी इंडिपेंडेंट लिविंग, जहां पर कि उसको किसी तरह से मदद करके परिवार में ना रहे, लेकिन क्या हमारे कुछ ऐसे बच्चे जो 12वीं कक्षा के बाद में बाहर रह रहे हैं, उनके साथ में रहकर पढ़ाई को जारी रखे और उनके साथ में रहे, ये बच्चे की इच्छा है। और इसी तरह से हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि उस बच्चे को हम चाहे ग्रुप लिविंग में या इंडिपेंडेंट लिविंग की तरफ भेज सके। टीम द्वारा निरंतर फॉलोअप जारी है इस बच्चे के लिए, बच्चे का सुरक्षित परिवार वापसी को सफल बनाने का हमारा पूरा प्रयास है। और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो परिवार, जिस तरह से हमने देखा कि COVID-19 महामारी के समय से लेकर अभी तक, उनके साथ में हम कौन कौन से ऐसे मदद पहुंचा सकते हैं, उस मदद को हम पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए मिराकल फाउंडेशन पूरा हमें सहयोग प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड है। हम क्या देख पा रहे हैं, हम किस तरह से सोच पा रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि अगर बच्चे हमारे CCI में नहीं होंगे तो हमें पहले यह सोचना होगा कि इस CCI में, इस इंस्टीट्यूशन में हम किस तरह से क्या और दूसरा प्लान बच्चों के लिए सोचा जा सकता है, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं, जिससे हम कोशिश कर रहे हैं कि यह पूरा का पूरा किस तरह से हम बच्चों के लिए समय दे पाए, बच्चों के लिए विशेष रूप से जितने भी वहाँ सुविधा है उसका लाभ बच्चों तक पहुंच सके। हमारा जो स्टैटिक रिव्यू एनालिसिस के माध्यम से हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे जो टीम है, जो स्टाफ है, उसके लिए हमें जिस तरह से पहले CCI के मॉडल के रूप में काम कर रहे थे, अब हमें उनके परिवार के साथ में किस तरह से परिवार आधारित कार्यक्रम को लेकर हमें उन्हें और तैयार करने की जरूरत है, उनके कौशल प्रशिक्षण की जरूरत है। उनके लिए हमें यह भी सोचना होगा कि वो बच्चे के साथ में कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच पर एक बच्चे को लेकर नहीं बल्कि वहां के और भी बच्चों को लेकर काम कर सके और एक सुरक्षित बाल संरक्षण को अपना सके। हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम को हम और अधिक से अधिक मजबूती प्रदान कर सके और हमारी जो स्टीयरिंग समिति है उसकी भूमिका को अधिक से अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए उनके साथ में जितना ज्यादा स्किल डेवलपमेंट जो भी एक्टिविटीज हो सकती है, जितना ज्यादा वर्कशॉप सेमिनार हो सकता है, हम करने का प्रयास करेंगे। शासन के सहयोग से बच्चों को संपूर्ण विकास मिले, इसके लिए हमारा उनके साथ में रेगुलर फॉलोअप रहेगा और हम कोशिश करते रहेंगे कि बच्चों के लिए CCI से ज्यादा उनका घर और वातावरण को सुरक्षित कर सके। धन्यवाद अनूप जी इस व्यवहारिक स्वरूप को प्रस्तुत करने के लिए। और बहुत मुख्य बात इसमें जो निकल के आ रही है वो एक सतत प्रयास, जो सहभागिता है परिवार के साथ, बच्चों के साथ, सिस्टम के साथ निरंतर काम करते रहना, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और फॉलो अप की बात जो आपने फर्दर कही, और ये बहुत अच्छा लगा यहाँ पे देखकर जो आपका वे फॉरवर्ड है कि किस प्रकार से पूरा एक सोच, पूरा एक परिवर्तन, मतलब बच्चों, परिवारों, सिस्टम, CCI के स्टाफ और सबको लेकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी। एक क्वेश्चन भी आ रहा है हमारे सामने फॉलो अप का, पर पहले मैं डॉक्टर संध्या व्यास की ओर जाऊंगी और फिर मैं वो क्वेश्चन दूंगी। डॉक्टर संध्या व्यास, जैसा कि आपने सुना अभी संध्या जी के प्रेजेंटेशन में और अनूप जी के, और इस तरह के प्रयास हो रहे हैं, इस तरह का के टूल्स भी डेवलप किए जा रहे हैं, कार्यान्वित हो रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि सरकार की ओर से मध्य प्रदेश में खासकर अब आप अगर आप हमारे साथ शेयर करें कि किस प्रकार से क्या तैयारी हो रही है जब हम पुनः एकीकरण की बात करते हैं या परिवार आधारित देखभाल को और मजबूत करने की बात करते हैं। और हमने सुना है कि वहां पर जोखिम का आकलन, वल्नरेबिलिटी मैपिंग भी हुआ है कुछ जिलों में, जिसका आपके पास परिणाम भी है, और आगे किस प्रकार से काम हो रहा है, और अगर आप थोड़ा सा सामुदायिक स्तर पर जो संसाधन है उनको किस प्रकार से सक्रिय किया जा रहा है इस पूरे प्रोसेस में, तो अगर इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालें, आपके पास भी 10 मिनट हैं। थैंक यू। आपने मेरा परिचय तो बता दिया, लेकिन मैं फिर से बता देना चाहती हूँ कि मैं इंदौर संभाग की संयुक्त संचालक हूँ महिला बाल विकास की।
तो मैं कोशिश करूंगी कि प्रदेश की स्तर पे जो चीजें हो रही हैं उनको भी बताऊं, लेकिन विशेष तौर से इंदौर संभाग में हम जो चीज कर रहे हैं उसको मैं ज्यादा न्याय कर सकूंगी उसके साथ में बताने के लिए, क्योंकि मैं संभाग की अधिकारी हूँ। तो जहां तक आरंभ और मिरेकल फाउंडेशन के साथ काम का सवाल है, वो अनूप जी ने बहुत अच्छे से बता दिया है कि इंदौर संभाग में किस ढंग से उनके साथ मिलके काम हो रहा है, और हमने एक स्टीयरिंग कमेटी भी बनाई है, उसके माध्यम से भी हम काम करेंगे, और लोगों का जो जो सीसीआई के लोग हैं उनका जो एटीट्यूड में जो चेंज आना है, या उनको नया जो चीजें हैं कि फैमिली बेस्ट है, इंस्टीट्यूशन शुड बी द लास्ट रिसोर्ट, ये जो सारी चीजें, एक नया प्रकाश जो चीजें हैं सत्य हैं, लेकिन नया प्रकाश जो आया है वो संस्था के लोगों की सोच तक पहुंचाना, इसके लिए और उसके तरीके के कैसे हम परिवार तक बच्चों को पहुंचाएं, इसके लिए जो ट्रेनिंग्स हैं वो मिरेकल फाउंडेशन के साथ मिलके हम अपने सीसीआईज लोगों सीसीआईज के जो हमारे लोग हैं उनका हमने शुरू किया है, संभाग के जो अधिकारी हैं उनका शुरू किया है, उसकी श्रृंखला हमने शुरू की थी अनूप जी और मिरेकल फाउंडेशन के साथ मिलके। लेकिन अब मैं जो दूसरे काम हम कर रहे हैं वो हो सकता है कि सीधे के सीधे बच्चे के रेस्टोरेशन और री इंटीग्रेशन से संबंधित हो या उसके इर्द गिर्द हो, वो सारी चीजें मैं बताना चाहूंगी और बहुत संक्षिप्त में बताऊंगी जैसे आपने समय सीमा रखी है। हम एक हमने सीएसए के साथ में इंदौर संभाग में काम किया, जो आपने वल्नरेबिलिटी मैपिंग का कहा है, तो हमने काम ये किया क्योंकि बच्चे संस्था से रेस्टोर करें और कम्युनिटी में बहुत सारे बच्चे हैं जो सीएनसीपी हैं, वो भविष्य में संस्था में भी आ सकते हैं या वहाँ भी उनको मदद की जरूरत है, तो लेकिन इनका एक हम अनुमान तो लगाएं कि ये कैसे हैं क्या है, तो सिर्फ ये अनुमान लगाना इसका उद्देश्य नहीं था, इस सर्वे का एक हमारा उद्देश्य ये भी था कि हमारे पास में अभी जो ICPS का चाइल्ड प्रोटेक्शन का कोई ग्रास रूट लेवल पे पूरा स्ट्रक्चर नहीं है जिस तरीके से ICDS का है, आंगनवाड़ी वर्कर है हमारे पास, सुपरवाइजर है, CDPO है, लेकिन उन लोगों को भी इस तरह के बच्चों के बारे में जानकारी हो सर्वे के साथ साथ। तो हमने 4 जिलों में ये काम शुरू किया था, इंदौर, खंडवा, धार और बड़वानी में किया, और ये हमने कैटलिस्ट फॉर सोशल एक्शन CSA के साथ में मिलके किया, और इसमें हमने पहले जिला स्तर पर ट्रेनिंग की और फिर नीचे लेवल तक ट्रेनिंग की, तो हमने 60 ट्रेनिंग के इसमें सत्र किए, सर्वे के फॉर्मेट भी हमने डेवलप किए, खास तो हमने ये सारे चीजों के बारे में लोगों को अवेयर भी किया जो हमारे नीचे तक के लोग हैं, तो हमने इसमें 21 लगभग हमने इसमें 8,000 आंगनवाड़ी वर्कर को ट्रेन किया और उनको ये सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बताया कि CNCP बच्चे क्या होते हैं, आपके इर्द गिर्द भी ऐसे बच्चे हैं तो जिनको जरूरत है, तो उसके आधार पर उन्होंने सर्वे किया, जो हमने सर्वे उनको करने का तरीका बताया, तो इस तरीके से उन्होंने जो सर्वे किया तो 4 जिलों में, केवल 4 जिलों में ही हमें 2100 बच्चे ऐसे मिले जिनको मदद की जरूरत है जो CNCP बच्चे हैं। इन 4000 बच्चों में से फिर हमने आगे SIR 400 बच्चों की तैयार करी और CWC जो है इन 4 जिलों की, उनको इन बच्चों की SIR उपलब्ध कराई। तो इस तरीके से ये एक काम जो है गेट कीपिंग जिसको हम कहते हैं, तो वो गेट कीपिंग के उसमें सिलसिले में हमने ये काम किया है। अब इस काम में हम आगे जब काम करना चाह रहे हैं तो हमारे स्टेट से बहुत अच्छे से इसमें काम हो रहा है मध्य प्रदेश राज्य में, और हमारी स्पॉन्सरशिप और फॉस्टर केयर की जो गाइडलाइन है वो 2020 की निकली है, तो स्पॉन्सरशिप में भी अब हमें बहुत स्पेस दिया गया है। जैसे स्पॉन्सरशिप की जो हमारी पहले गाइडलाइन थी वो बहुत ही संकुचित थी और उसमें हम केवल जो बच्चे 6 महीने तक CCI में रहे हैं उन बच्चों को ही स्पॉन्सरशिप का फायदा दे सकते थे, तो अब जो हमारे पास में फैसिलिटी है इसमें हम जो बच्चे समुदाय में है और वो उन बच्चों को भी वहाँ स्पॉन्सरशिप की हम लाभ दे सकते हैं। तो इस तरीके से स्पॉन्सरशिप में हमारे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, उस पर मैं बात करूंगी, और ये स्क्रीन पे मैं ही दिख रही हूँ तो मुझे बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है। एक मिनट, मेरे पास कोई स्लाइड नहीं है ना, ठीक है कंटिन्यू करती हूँ। ठीक, तो ये गेट कीपिंग के लिए हमने
ये काम किया है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगी कि जो स्पॉन्सरशिप और फॉस्टर केयर की गाइडलाइन जो स्टेट ने की है बहुत ही सरल और बोधगम्य, और जितने जो जो उसमें जटिलताएं थी उसको दूर किया है। और इसमें अब संस्थागत बच्चों के रेस्टोरेशन के लिए भी है, समुदाय में रहने वाले सीएनसीपी बच्चे भी इसमें लिए गए हैं। और चूंकि हमारा जो स्पॉन्सरशिप का बजट है वो काफी कम होता है, तो इसके लिए ये किया गया है कि जो निजी भागीदारी है उसका भी पूरा प्रावधान स्पॉन्सरशिप में किया है। लोगों को जो इंडस्ट्रीज हैं, व्यक्ति हैं, वो बच्चों को के लिए स्पॉन्सरशिप में आगे आ सके। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों के सहयोग और लिंकेजेस के प्रावधान भी इसमें किए गए हैं, जिससे कि हम इसमें ज्यादा परिणाम दे सकेंगे। और हमने जो ये बच्चे छांटे हैं इन बच्चों को भी हम कोशिश करेंगे कि स्पॉन्सरशिप और दूसरे विभागों के सहयोग से किस तरीके से हम इनकी कम्युनिटी, इनकी फैमिली को और इन बच्चों को स्ट्रेंथन कर सकें। फॉस्टर केयर की भी जो गाइडलाइन हमारी रिवाइज हुई है, इसमें बहुत सारा सरल प्रक्रिया बनाई गई है, और इमरजेंसी फॉस्टर केयर का भी प्रावधान रखा गया है। तो इस तरीके से जो बच्चों को परिवार उपलब्ध कराना, इसके लिए ये सारे नए नियम निर्देशों में हम अच्छा काम कर सकेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ जो विलेज और ब्लॉक कमेटीज बनने का काम शुरू हुआ है, और उनको स्ट्रेंथन करने और उनकी मीटिंग्स करने का काम शुरू हुआ है। तो ये विलेज और ब्लॉक कमेटी भी हमारे इस पूरे चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम को बहुत मजबूत करेंगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश में एक SOS के साथ में CNCP बच्चों के लिए पूरा विलेज जैसे बताया है कि कौन से ऐसे हॉटस्पॉट हैं, अभी सहाय जी ने बताया, तो इस तरह के जो हॉटस्पॉट विलेजेस हैं उन विलेजेस को अडॉप्ट करके उनकी उन विलेजेस में जो CNCP बच्चे हैं जो उनकी फैमिली को किस तरीके से स्ट्रेंथन किया जाए, इसके लिए SOS के साथ मिलके राज्य सरकार काम कर रही है, और कुछ विलेजेस इंदौर संभाग में भी और कुछ भोपाल संभाग में भी इस तरीके से अडॉप्ट किए जाएंगे फैमिली स्ट्रेंथन के लिए। बच्चों की वोकेशनल ट्रेनिंग पे हम ध्यान दे रहे हैं, और इसमें CSA भी लगातार हमको सहयोग करता रह रहा है, और वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चों के लिए बहुत लाभप्रद हो सकती है। अगर वो यहाँ कुछ तैयार हो जाएं तो उसके बाद उनको परिवार में पुनर्वासित करना शायद और भी अच्छा हो सकेगा। और एक ये भी रखा गया है कि दत्तक ग्रहण वाले जो बच्चे जाते हैं वो हम परिवार में तो भेजते हैं, लेकिन हमारी हमेशा सोच ये रहती है कि परिवार को बच्चा मिले, लेकिन बच्चे की दृष्टि से भी हमें सोचना होगा। और इस दृष्टि से जो पेरेंट्स हैं उनकी ट्रेनिंग करने का, ऑनलाइन ट्रेनिंग और अदरवाइज उनकी ट्रेनिंग करने का, फॉस्टर केयर वाले पेरेंट्स और एडॉप्शन वाले पेरेंट्स इनकी ट्रेनिंग करने का भी स्टेट लेवल पे काम शुरू हुआ है। और एक पूरे प्रदेश में भी आफ्टर केयर पे काम हो रहा है अच्छे से। हालांकि आफ्टर केयर इससे थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन वो बच्चे हमारी संस्था में रहे हैं जिनको हम परिवार उपलब्ध नहीं करा पाए हैं किसी कारण से, और वो बच्चे 18 साल के होके संस्था से निकल रहे हैं। तो एक जो बच्ची हम जिन पे काम कर रहे हैं, वो बच्ची से मैंने सुना था कि जब मैं संस्था से निकल रही थी तो मेरे पांव कांप रहे थे कि इस पूरी दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, मैं कहाँ बाहर जाऊंगी पूरे संस्था से निकल के। और कई बच्चे अपने अनुभव बताते हैं कि हम संस्था में तैयार भी हो जाते हैं, थोड़ी ट्रेनिंग भी ले लेते हैं, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारा दुनिया में कोई नहीं होता है। हम जब बैंक में भी खाता खुलवाने जाते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हारा कोई तो होगा, जब मकान लेने जाते हैं तो बोलते हैं कोई तो होगा तुम्हारा दुनिया में। तो इस तरीके के बच्चों पे हमें काम करना बहुत जरूरी है, और उनको अगर हम परिवार भी ना दिला पाए तो समुदाय में बहुत अच्छे से हमको उनको स्थापित करना जरूरी है। तो इस तरीके के अभी लगभग 20 बच्चों पर हम काम कर रहे हैं इंदौर में, और इसमें जो हमने लिंकेजेस बनाए हैं कि वो बच्चियों के लिए हम सेफ और निशुल्क रहने की व्यवस्था कर सके। अभी हमने वर्किंग विमेन हॉस्टल में व्यवस्था की है, लगभग 9-10 बालिकाएं हमारी वर्किंग विमेन हॉस्टल में रह रही हैं, उनकी मेंटरिंग की व्यवस्था की है। और ये मुझे बताते हुए खुशी है कि उन बालिकाओं में से अभी हमने जब ये शुरू किया है तो रिसेंटली हमारा एक बच्ची का ऑक्यूपेशनल थेरेपी में
एडमिशन हुआ है, एक बच्ची का रेडियोलॉजी की ट्रेनिंग के लिए एडमिशन हुआ है, और इस तरीके से हम और भी बच्चों पर काम कर रहे हैं। और इन बच्चों की ये जो ट्रेनिंग है इनको मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना से जोड़ के, ताकि इनकी जो बड़ी फीस होती है इन ट्रेनिंग्स की, वो फीस भी रिएम्बर्स हो सके। तो इस तरीके के लिंकेजेस और उनके आगे इन बच्चियों के लिए और इन बच्चों के लिए अलग अलग मेंटरशिप हो सके। सीएसए तो हमारे साथ कर ही रहा है, लेकिन इनकी जैसे परिवार होता है ऐसे कोई परिवार इनकी मेंटरशिप के लिए आगे आए, ये भी हमारा आगे प्लानिंग है। तो मैं आपके 10 मिनट भी शायद नहीं लूंगी, क्योंकि मेरे पास इतना ही बोलने को है। थैंक यू। आपने जो कुछ भी कहा बहुत ही कीमती है, और बहुत ही आपने जो बातें कही वो ये विश्वास दिलाती हैं कि ये सब केवल कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये एक्चुअली काम हो रहा है। और पिछला वेबिनार था अंग्रेजी में पिछले हफ्ते, जब गीतांजलि जी हमारे साथ जुड़ी थी फ्रॉम केरला से, तो उन्होंने भी बताया कि किस प्रकार से, और आपने जो बात कही कि किस प्रकार से ऑन ग्राउंड ICDS के स्ट्रक्चर को का प्रयोग हो रहा है, वहाँ उसका जो स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग हो रही है, ये जानकर बहुत खुशी हुई। और जो विस्तृत रूप से आपने जो फोस्टर केयर की गाइडलाइंस हैं और किस प्रकार से अब उसको नए ढंग से देखा जा रहा है, वोकेशनल ट्रेनिंग और लिंकेजेस की जो आपने बात कही, मुझे लगता है हम सारे हमारे प्रतिभागियों को इससे काफी प्रोत्साहन मिला होगा ये देख कर कि ये वाकई में ये कार्य हो रहा है और ये संभव है और ये बिल्कुल किया जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक यहाँ पर मैं एक अनुमति चाहूंगी पैनलिस्ट से एक सवाल लेने के लिए, क्योंकि ये हमारे डिस्कशन से जुड़ा हुआ है। एक सवाल हमारे प्रतिभागी ये पूछ रहे हैं कि, और मुख्य रूप से अगर अनूप जी या संध्या, डॉक्टर संध्या व्यास, आप इसको देख सके कि कई बार जो हम फॉलो अप की बात करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चा परिवार में है और उसके साथ कार्य हो रहा है, लेकिन परिवार वाले बार बार फॉलो अप के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, या उन्हें लगता है कि वो बार बार जाके उन्हें डिस्टर्ब करना या फॉलो अप करना, लेकिन CWC द्वारा क्योंकि ऑर्डर दिया गया है और वो फॉलो अप होना है, कि उसकी एक सीमा, समय सीमा है और वो देखना है, तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार से परिवार के साथ डील किया जा सकता है, इसमें अगर आपके कुछ थॉट्स हैं डॉक्टर संध्या व्यास या अनूप जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि इसका ज्यादा अच्छा जवाब अनूप जी दे पाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली, मैं बहुत सारी चीजें इस लेवल पे करती हूँ और वो बहुत माइन्यूटली इस पे काम कर रहे हैं, वो बेटर जवाब दे पाएंगे। धन्यवाद संध्या जी। जैसा कि ये बात जो क्वेश्चन में उठा है, मुझे लगता है कि बहुत सही इसका उत्तर भी होना चाहिए। अगर हम JJ8 की तरफ देखें तो उसमें फॉलोअप को अलग से डिफाइन किया गया है, और उसमें ये भी कहा गया है कि बच्चे के साथ में अगर हम फॉलोअप करते हैं उनके घर जाने के बाद में, तो पहले 15 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, फिर 1 महीना, ऐसा अगर हम कुल देखें तो वो शायद मेरे ख्याल से 1.5 साल के करीब का समय आता है। और जब हम काम कर रहे हैं बच्चों के माता पिता के साथ में, बच्चों के साथ में, तो हमारा ये प्रयास होता है कि हम पहले उनसे समय लें, और समय के साथ में जब हम काम करना शुरू करें तो क्या उनकी सहमति उसमें है या नहीं, क्योंकि हम उनको बार बार परेशान नहीं करना चाहते, और हमें यह भी नहीं लगता है कि उनके काम को हम छुड़ाकर हम अपने जो मकसद है बच्चों को घर पहुंचाने का उसे हम पूरा करें, तो क्या उनका सहयोग हमें किस तरह से मिल पा रहा है, तो हम उसी अनुसार ही काम करेंगे। तो हमारा टीम तत्पर रहता है, गांव में रहता है, गांव में रहने की कोशिश करता है, उनसे साथ जाकर मिलने का प्रयास करता है कि किस तरह से हम बच्चों के साथ मिलकर काम करें। मुझे इस बात को कहते हुए भी अच्छा लग रहा है कि चूंकि अभी कोरोना के समय में भी जब हमने कुछ बच्चों को मिराकल के सपोर्ट से टैबलेट दिए कि बच्चों अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखे, बच्चे हमारे साथ रहकर पहले कंप्यूटर में अच्छी तरह से उन्होंने सीखा है, तो उनके माता पिता बहुत ज्यादा ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब ये जरूरी नहीं होता है कि हम उनसे बार बार जाकर मिलें, तो ऑनलाइन से कैसे कनेक्ट करें, तो ये बहुत खुशी की बात है कि गांव गांव में, बहुत रिमोट गाँव तक भी जहाँ नेटवर्क है थोड़ा बहुत, गांव की महिलाएं और जितने भी लोग हैं वहां पर अगर हम बैठक भी करते हैं गांव के साथ में, सब जुड़ जाते हैं।
तो मुझे लगता है कि इस तरह से हमें फॉलोअप करने की जरूरत है और करते रहना चाहिए। थैंक यू अनूप जी। अब मैं हिमाली आपके पास जाऊंगी और मध्य प्रदेश के बाद गुजरात को थोड़ा देखेंगे और गुजरात में आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने अभी सबको सुना, तो गुजरात में जो प्रयास है पुनः एकीकरण को लेकर, परिवार आधारित देखभाल को लेकर, और खासकर पिछली बार जब पिछले अंग्रेजी के वेबिनार में जब शर्मिला जी हमसे जुड़ी थी, उन्होंने बनासकांठा का उदाहरण शेयर किया था कि किस प्रकार से विभागों के बीच एक तालमेल, एक सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है, आपका जो नया प्रोजेक्ट है उसके विषय में, और थोड़ा सा जो 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 बजटीय आवंटन है, बजटरी एलोकेशन है गुजरात में, उस पर भी अगर प्रकाश डालें तो। और समय को लेकर मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ, तो अगर हम इसको 8 मिनट के अंदर कर देंगे तो और भी अच्छा है। जी बिल्कुल, थैंक यू रीचा जी। मेरे सेशन की शुरुआत में एक छोटे से वीडियो के साथ करना चाहूंगी और उसके लिए मैं अंजलि जी से निवेदन करूंगी कि प्लीज वो वीडियो थोड़ा शेयर करते हैं। પહેલા હું ચિલ્ડ્રનમાં રહેતો હતો, પછી મારા પપ્પા ગુજરી ગયા એટલે અમને મમ્મી વગર નહોતું ફાવતું, એટલે મારા મમ્મી અમને ચિલ્ડ્રન અમને થી ઘેર લાવી, પછી અમને અમને સરકારને 3,000 આપ્યા, એટલે મારા મમ્મી અમને ઘેર રાખવા ગઈ। આવા બાળકો નિયમિત અભ્યાસ કરે છે કે કેમ તેની નિયમિત તપાસ પણ તંત્ર દ્વારા સમયાંતરે કરાય છે, જેથી બાળકનું ભાવિ સુરક્ષિત બને। પહેલા અમે ચિલ્ડ્રન હોમમાં રહેતા હતા, બાપાને ગુજરવાના કારણે માએ ત્યાં અમને મૂક્યા હતા, તો સરકારના કારણે અમે 3,000 રૂપિયા મળવા લાગ્યા, તેથી કારણે અમને માના પાસે મોકલી દીધા ઘરે, તેથી અમને માની પાસે બહુ ખૂબ જ મજા આવે છે અને અમને સારું ભણવાનું પણ થાય છે। આ અત્યંત સામાન્ય ઘરમાં રહેતી મહિલાનું નામ કાંતાબેન છે। આજથી 5 વર્ષ પહેલા પતિનું અકાળે અવસાન થતા હૃદય પર પથ્થર રાખી માતાએ બાળકોને બાળ સંરક્ષણ ગૃહમાં મોકલ્યા। કોરોના કાળમાં સરકારી દિશા નિર્દેશો મુજબ કાંતાબેનના બંને બાળકોને પણ અન્ય બાળકોની જેમ પરિવારમાં મોકલવામાં આવ્યા। રાજ્ય સરકારે નિભાવ ખર્ચ પેટે રૂપિયા 1500 અને રાશન કીટ આપી। આજે કાંતાબેન જેવા અનેક વાલીઓને પોતાના બાળકો પુનઃપ્રાપ્ત થતા તેમની ખુશીનો પાર નથી। હું 17 વર્ષનો હતો જ્યારે 11મું ધોરણ પૂરું જ કર્યું હતું અને મારી પપ્પાનું એક્સિડન્ટના લીધે અવસાન થયું હતું 15 દિવસના અંતકાળમાં। મારું સપનું હતું કે ડૉક્ટર બનવું, તો હવે મારી પપ્પાના અવસાન લીધે ડૉક્ટર બનવું તો કેવી રીતે, પૈસાનો પણ પ્રશ્ન હતો। પાલનપુર બાળ સુરક્ષા અધિકારી હતા, તેમની જાણ દ્વારા મને આ પાલક માતા પિતા જે યોજના છે એની વિશે જાણ પડી, તો પછી મેં કાકાની મદદ લીધી અને ત્યાં ફોર્મ ભર્યું પાલક માતા પિતા યોજના માટે। જે યોજનાના અંતર્ગત મને દર મહિને લગભગ 3,000 રૂપિયા મળતા હતા। હવે હું BMS જૂનાગઢ કોલેજમાં અભ્યાસ કરું છું। એવા બાળકો કે જેમના માતા પિતા નથી અને કોઈક પરિવારના વાલી એની જવાબદારી ઉઠાવી રહ્યા છે, તો આવા બાળકોને પાલક માતા પિતા યોજના થકી પ્રતિ માસ 3,000 રૂપિયાની સહાય કરવામાં આવે છે અને આ બાળક 18 વર્ષનું થાય એનું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરે ત્યાં સુધી આ સહાય સરકારશ્રી તરફથી પ્રતિમાસ કરવામાં આવે છે અને સમગ્ર જિલ્લામાં અત્યારે લગભગ 1400 ઉપરાંત બાળકો આ પાલક માતા પિતા યોજનાથી લાભાન્વિત થઈ રહ્યા છે। થેન્ક યુ। યે જો વિડિયો હમ સબને દેખા વો गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत खास करके अल्टरनेटिव केयर और डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन को लेके जो भी स्कीम्स हैं और जो भी प्रयास किए गए हैं उसके बारे में ये वीडियो था, जिसके बारे में विस्तृत से हम और आगे बात करेंगे। मैं मेरा एक स्क्रीन थोड़ा शेयर कर रही हूँ। प्रॉब्लम है हमारी, एक मिनट। हाँ
आप देख पा रहे हो ये? हाँ हम देख पा रहे हैं। अच्छा या तो मैं इस सेशन में बात करना चाहूंगी कि डिपार्टमेंट की तरफ से और जिसमें यूनिसेफ भी तकनीकी सहाय दे रहा है उसके तहत अल्टरनेटिव केयर को लेके डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन को लेके क्या क्या प्रयास किए गए इन जनरल एज वेल एज खास करके कोविड का जो समय था उसमें क्या क्या प्रयास किए गए उसके बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहूंगी। जब चाइल्ड प्रोटेक्शन जब ICPS की शुरुआत गुजरात में हुई उससे पहले काफी सालों से गुजरात के अंदर पालक माता पिता योजना जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है, जो खास करके जो अनाथ बच्चे हैं जीरो से शून्य से लेके 18 साल तक की उम्र के और ऐसे बच्चे की जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी है और माता ने पुनः शादी करी है, तो खास ऐसे दो कैटेगरी वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने ये स्कीम 1978 में इनिशिएट किया था। काफी सारे फाइनेंशियल रिविजन भी इसमें हुए हैं। जब ये स्कीम शुरुआत हुआ था तो 75 रुपीज से हुआ था, फिर उसका 500 हुआ और हालांकि अभी ये जो स्कीम है उसके तहत 3000 रुपए प्रति मास प्रति बच्चे को दिया जा रहा है। जो भी बच्चे इन दो क्राइटेरिया में फिट होते हैं उन बच्चों के लिए ये स्कीम हो रहा है इस स्कीम, और अराउंड 17,000 बच्चे जो हैं गुजरात के अंदर इस स्कीम के तहत बेनिफिट ले रहे हैं। इस स्कीम्स की वजह से जो देखा जाए तो मुख्य तीन फायदे जो हुए वो ये था कि सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि हम करीबन 17,000 बच्चों को इंस्टीट्यूशन में लाते हुए रोक पाए, उनको प्रिवेंट कर पाए, क्योंकि ये बच्चे आज अपने फैमिली में है, अपने अपने दादा दादी नाना नानी मामा मामी या काका काकी के पास फैमिली में पल रहे हैं, जो अगर ये स्कीम नहीं होता तो शायद ये आज बच्चे कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस में होते। इस स्कीम का एक ये भी मॉनिटरिंग का पहलू है कि हम ये भी इंश्योर करते हैं कि जो भी बच्चे इस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं बेनिफिट ले रहे हैं वो बच्चा पढ़ना चाहिए, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ WCD के साथ आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ भी रहकर हम ये मॉनिटर कर रहे हैं कि ये जो 3000 रुपए बच्चे को दिया जा रहा है वो पैसा बच्चे के एजुकेशन में उसकी यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो स्कूल ड्रॉपआउट रेशियो हो रहा था उसमें भी हम काफी उसमें भी हम काफी डिक्रीज कर पाए उस स्कूल ड्रॉपआउट रेशियो को। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन बच्चों को अपना परिवार मिला, उन्हें अपना परिवार छोड़ के कहीं जाना नहीं पड़ा। दूसरी मैं थोड़े बजटरी एलोकेशन की बात करूँ तो 19-20 में स्टेट गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट ने एक बहुत बड़ा खास करके पॉलिसी मेजर्स को लेकर एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया जिसमें तीन स्कीम्स डिपार्टमेंट ने इनिशिएट करी अनाउंस करी खास करके स्पॉन्सरशिप आफ्टर केयर और फोस्टर केयर को लेके। ये स्कीम नए स्टेट बनाने की जरूरत यूं महसूस हुई कि जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की जब ये तीनों स्कीम इंप्लीमेंट कर रहे थे तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, काफी सारे क्राइटेरिया सेंट्रल स्कीम के ऐसे थे जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को हम बेनिफिट नहीं कर पा रहे थे, तो ये सोचा कि क्यों ना स्टेट गवर्नमेंट खुद ही अपना एक स्कीम इसको इनिशिएट करे। तो उस तरह से हमने स्पॉन्सरशिप में जो फाइनेंशियल प्रोविजंस थे जो क्राइटेरिया थे उसमें भी काफी फ्लेक्सिबल रखे। जैसे स्पॉन्सरशिप में हमने ये क्राइटेरिया रखा कि जो बच्चा एक महीने या उससे ज्यादा अगर CCI में रह रहा है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में रह रहा है तो वो भी इस स्पॉन्सरशिप का बेनिफिट ले सकता है। और फाइनेंशियल प्रोविजन में जो सेंट्रल में 2000 रुपए पर चाइल्ड पर मंथ है उसको हमने स्टेट में 3000 पर चाइल्ड पर मंथ रखा है और इसके लिए 180 लाख का बजट स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था जो 100% स्टेट का शेयर था। वैसे ही आफ्टर केयर में भी फाइनेंशियल प्रोविजंस में हमने रिवीजन किया, जो सेंट्रल की गाइडलाइंस है उसमें 2000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड है उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने 6000 रुपीज पर चाइल्ड पर मंथ हमने करा है। और फोस्टर केयर है उसमें भी सेंट्रल की गाइडलाइन में 2000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड है और स्टेट गवर्नमेंट में हमने 6000 रुपीज पर चाइल्ड पर मंथ का हमने प्रोविजन रखा है। तो ये बजटरी एलोकेशन से यह फायदा यह हुआ कि हम क्योंकि क्राइटेरियाज भी काफी फ्लेक्सिबल हुए, फाइनेंशियल प्रोविजन में भी काफी बढ़ोतरी हुई है, इसकी वजह से हम काफी सारे बच्चों को इन तीनों योजनाओं में हम जोड़ पाए हैं। जब हम फैमिली बेस्ड
केयर की बात करते हैं, गेट कीपिंग की बात करते हैं, फैमिली स्ट्रेंथनिंग की अगर हम बात करते हैं, तो बहुत जरूरी होता है कि हमारे ब्लॉक लेवल पे और विलेज लेवल पे जो हमारी समितियां हैं, जो लोग हैं, उन्हें भी हम गठित करें और उन्हें भी हम स्ट्रेंथन करें। तो इसके तहत गुजरात के अंदर मोर देन 200 ब्लॉक्स है, उसमें ब्लॉक चेयर पटिशन कमिटीज हैं, उनका गठन किया गया है, और मोर देन 70,000 विलेजेस जो है, जो रेवेन्यू विलेजेस है, उनके अंदर विलेज चेयर पटिशन कमिटीज का गठन किया गया है। और काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स हैं, वो एनजीओस की मदद से और दूसरे डिपार्टमेंट की मदद से, ये जो डीसीपीसीज हैं, वीसीपीसीज हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं, चर्चा करते हैं, और खास करके चाइल्ड प्रोटेक्शन के जो मुद्दे हैं उसके बारे में उस गांव में उसकी चर्चा की जाती है, और प्रयास करते हैं कि उस गांव में जो भी चाइल्ड प्रोटेक्शन का मुद्दा है उसको एड्रेस किया जाए, और उसके संबंधित अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ अगर कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत पड़ती है तो वो डीसीपीओ के माध्यम से वो किया जा रहा है। अब जब मैं कोविड के दरमियान की बात करूं तो यूनिसेफ क्लोजली काम करता है गुजरात स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी के साथ, और कोविड के दरमियान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, डब्ल्यूसीडी की तरफ से, एनसीपीसीआर की तरफ से बहुत सारी एडवाइजरीज, गाइडलाइंस, नोटिफिकेशन आए थे चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज को लेके, जेजेबीज को लेके, एसजेपीयूज को लेके, और डिपार्टमेंट में जो भी चाइल्ड प्रोटेक्शन फंक्शनरीज काम करते हैं उनके उनके क्या क्या उन्हें प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या एक्शंस लेने हैं उसको लेके, तो हम लोगों ने गवर्नमेंट के साथ काम करके जो भी गाइडलाइंस, एडवाइजरीज इश्यूज हुई थी और उनको ध्यान में रखते हुए हमने स्टेट की तरफ से वो सारे ही जीआर है या एसओपीज हैं या गाइडलाइंस है उसको नोटिफाई किया, सर्कुलर्स इशू किए, गाइडलाइंस इशू किए, जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फंक्शनरीज हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन के उनको हमने ये इशू किया कि जो बच्चे सीसीआई में रह रहे हैं उनके लिए क्या खास हमें ध्यान रखना है। और सबसे जरूरी बात हमारे यहाँ पे ये हुई है कि हमारे जो डिपार्टमेंट के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं वो बहुत बहुत प्रोएक्टिव है कि खास करके गुजरात के अंदर अल्टरनेटिव केयर को लेके काफी वो चिंतित भी हैं, और इसकी वजह से उन्होंने जितने भी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स थे उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिस किया उन समय उस वक्त के दरमियान की जो भी एडवाइजरीज इशू करी है उनका स्ट्रिक्टली फॉलोअप किया जाए। और एक जो बहुत महत्व की उसमें बात थी और कोविड को एक अपॉर्चुनिटी के तरह से भी हम उस तरह से थोड़ा देखते हैं, क्योंकि उस एडवाइजरी में, उस गाइडलाइन में एक ये भी निर्देश किया गया था कि सीसीआई में जो बच्चे रह रहे हैं उसमें उन बच्चों के अगर परिवार हैं, गार्डियन हैं, तो सीसीआई में उन बच्चों को कोरोना का इन्फेक्शन ना लगे तो उन्हें तुरंत ही अपने घर वापस भेज दिया जाए। तो इसके तहत 2000 से भी ज्यादा बच्चे जो उस वक्त सीसीआई में रह रहे थे उनको अपने परिवारों में गुजरात के अंदर वापस भेजा गया, और उन 2000 बच्चों में से करीबन 600 बच्चे ऐसे हैं जिनको स्पॉन्सरशिप, फोस्टर केयर और आफ्टर केयर का भी बेनिफिट उन्हें दिया गया। और उस वक्त गवर्नमेंट ने ये भी थोड़ा इनिशिएटिव लिया था कि जो बच्चे घर गए हैं उनमें उन बच्चों को वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाए। तो ऐसे 1900 बच्चे थे जिनको 1500 रुपये का वन टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया गया था। और जो पालक माता पिता योजना की जो मैंने बात करी, तो एक एडवांस पेमेंट 3000 रुपीस पर मंथ पर चाइल्ड है, वो भी उस वक्त जितने बेनिफिशियरीज थे, अराउंड 17,000 बेनिफिशियरीज थे, उन्हें भी एक एडवांस पेमेंट गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज किया गया था। और यह भी हुआ था कि कोविड के दरमियान, कोविड के समय के दरमियान बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे जो चाइल्ड लेबर में रेस्क्यू किए गए थे, जो मिसिंग चिल्ड्रन थे, जो रनअवे चिल्ड्रन थे, जो डीसीपीओ के माध्यम थे, माध्यम से या टास्क फोर्स के माध्यम थे, जो सीसीआईज में आए थे, तो उन्हें भी ऐसे करीबन 100 बच्चे ऐसे थे जो कोविड-19 के दरमियान उन्हें अपने फैमिलीज के साथ रीइंटीग्रेट किया, दूसरे स्टेट्स के साथ, दूसरे सीडब्ल्यूसीज के साथ, दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके, कोलैबोरेशन करके। यहाँ पे मैं बात करूंगी जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में से जो 2000 बच्चे जो घर पे गए उनके साथ मुख्य मुख्य तरह से क्या क्या कामगिरी की गई उसके बारे में मैं थोड़ा ज्यादा बात करना चाहूंगी कि जो भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट से उनको वो जो बच्चे घर गए थे उनके साथ कंटिन्यूसली वो टेलीफोन के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप कॉल के थ्रू वो बच्चों के साथ कम्युनिकेशन कर रहे थे, और ये भी सुनिश्चित कर रहे थे कि अगर ऐसे बच्चे को काउंसलिंग सर्विसेज की जरूरत है तो वो भी उन्हें दिया जाए।
मेडिकल फाउंडेशन गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे बहुत क्लोजली काम कर रहा है, खास करके डीसीपीयू सीडब्ल्यूसी जेजेबीएस की कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर, एज वेल एज छोटा उदयपुर में भी एक फैमिली स्ट्रेंथनिंग को लेकर एक प्रोजेक्ट जो चल रहा है। तो मेडिकल फाउंडेशन की मदद से हमने जो एक्सपीडिट केस मैनेजमेंट चीका जो संध्या जी ने बात करा था, उस टूल का यूज करके जो बच्चे घर गए थे उनका होम स्टडी करवाया, चाइल्ड केस स्टडी कराया, रिस्क असेसमेंट करवाया, इन तो कुल मिला के सब बच्चों का इन डेप्थ असेसमेंट भी हुआ कि बच्चे जो घर में गए हैं वो सुरक्षित हैं। और ये जो तीन हमारी योजना है, स्पॉन्सरशिप, फोस्टर केयर, आफ्टर केयर, अगर उस क्राइटेरिया में वो बच्चे आते हैं तो वो भी सुनिश्चित किया जाए कि वह योजनाओं का लाभ उन बच्चों को दिया जाए, जिसके परिणाम स्वरूप आज करीब 600 बच्चे ऐसे हैं जो घर गए थे और उनको ये बेनिफिट मिल रहा है। और डायरेक्शंस भी जो अथॉरिटीज थे उनको दिए गए थे कि जो बच्चे घर गए हैं उनके परिवारों की आर्थिक स्थितियां क्या है उसकी थोड़ी जांच करें, और अगर उन्हें किसी भी तरह फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, उनके पेरेंट्स को किसी जरूरत है या एजुकेशनल मटेरियल की जरूरत है तो वो भी उन बच्चों को दिया जाए। बुक्स, स्टेशनरीज वगैरह भी उन बच्चों को दिया गया था। फिलहाल एजुकेशन है वो यूट्यूब और बाईसेट के लिंक की मदद से सीसीआई वाले बच्चों को भी दिया जा रहा है। वो भी सुनिश्चित किया गया कि जो बच्चे घर गए हैं उनका एजुकेशन भी छूट ना जाए, और सेम लिंक डीसीपीयू सीसीआई के माध्यम से उन बच्चों को भी दी गई। और खास करके एक यह भी प्रयास किया गया डीसीपीओ के साथ रह के कि जो बच्चे घर गए हैं उनकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट का एक मैपिंग किया जाए उनकी एज डिफरेंट एज ग्रुप के तरह से, और उनकी जो भी एजुकेशनल प्लान है वो उनके जो इंडिविजुअल केयर प्लान है उसमें कैसे उसको इंटीग्रेट किया जाए, जिसमें मेडिकल फाउंडेशन सारे डीसीपीओ के साथ रह के उसमें एक्टिवली काम कर रहा है। थोड़ा और मैं बात करना चाहूंगी कि यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिव है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और कॉर्पोरेट्स के साथ पार्टनरशिप करने के लिए, ताकि फैमिली स्ट्रेंथनिंग, प्रिवेंशन और गेटकीपिंग कैसे इंश्योर किया जाए। तो मेडिकल फाउंडेशन के साथ ऑलरेडी चल रहा है जिसके बारे में मैंने बात करा, और एक एसओएस चिल्ड्रन विलेज के साथ भी हमने एमओयू साइन किया है जो खास करके गुजरात के 12 जिलों में आफ्टर केयर सर्विसेज को लेकर काम करेगा। पालक माता पिता योजना 78 से है, तो यह भी हमने सोचा कि अब एक और असेसमेंट करने की जरूरत है ताकि और ज्यादा बच्चों को इसमें बेनिफिट दिया जाए, तो वो भी एक चल रहा है। दूसरा ओलंपिक फाउंडेशन, दीपक फाउंडेशन के साथ भी एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक प्रयास जारी है। गुजरात सीएसआर अथॉरिटीज के साथ भी हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि जो बच्चे अल्टरनेटिव केयर में हैं उनको हम कैसे, उनकी जो भी सीएसआर प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ कैसे जुड़ा जाए। और जो शर्मिला जी ने लास्ट टाइम बात करा था यूनिसेफ और संविना ट्रस्ट जो बनासकाठा में एक हमारा प्रोजेक्ट अभी इनिशिएट करा है पिछले 3 महीने से, जो एक यह ध्यान रख के किया गया कि हर एक बच्चे को जो भी हर एक फैमिलीज जो है वल्नरेबल फैमिलीज हैं उस डिस्ट्रिक्ट में उसको आइडेंटिफाई करा जाए, और उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट है, पुलिस है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उन जो भी वल्नरेबल फैमिलीज आइडेंटिफाई हुए हैं, जो बच्चे आइडेंटिफाई हुए हैं उनको एजुकेशन की जो भी सपोर्ट की जरूरत है या जो भी सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स की जरूरत है वो उन्हें जोड़ा जाए। और लास्ट स्लाइड मैं ये बताना चाहूंगी कि हम आगे फ्यूचर में क्या सोच रहे हैं, खास करके फैमिली स्ट्रेंथनिंग, गेटकीपिंग और अल्टरनेटिव केयर का प्रमोशन को लेके। तो बहुत जरूरत हमें ये भी लगता है कि सीडब्ल्यूसी, जेजेबी, बीसीपीसी और वीसीपीसी को खास करके, क्योंकि गठन हो चुका है, पर जो गठन हो चुका है उन्हें और ज्यादा फैमिली बेस्ड और अल्टरनेटिव केयर को लेके साथ में काम करने की जरूरत है। हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि एनएसएस एनवाई के जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो खास करके यूथ के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्हें हम कैसे हमारे साथ जुड़े, ताकि वो जब फील्ड में जाए तो वो हमारी जो योजनाएं हैं उनके बारे में भी लोगों को जानकारी दे सके। और एक चीज में, दो चीज लास्ट में बोलना चाहूंगी कि एक बहुत जरूरत है कि हमारा स्टेट की भी गाइडलाइंस हो, इन गाइडलाइंस और एसओपी हो इन तीनों चीजों पे। और एक लास्ट चीज मैं बोलना चाहूंगी कि हम जब अल्टरनेटिव केयर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ज्यादातर हम सीएनसीपी बच्चों को लेकर ज्यादा फोकस करते हैं, पर बहुत ये भी जरूरी है ये सोचना कि जो कॉन्फ्लिक्टिंग लो वाले बच्चे हैं इन्हें भी हम ये योजनाओं का लाभ दे सकते हैं अगर वो जो भी क्राइटेरिया में फिट होते हैं। तो गुजरात में हम इसका शुरुआत कर रहे हैं, और दो एक बच्चे हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं कॉन्फ्लिक्टिंग लो वाले बच्चों को लेकर,
को तो हम ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि हमारे दिमाग में हम जब बात कर रहे हैं इस स्कीम की तो हम सिर्फ CNCP बच्चों को ना देखें पर हम कॉन्फ्लिक्ट इन लो वाले बच्चों को भी ज्यादा फोकस करें जहाँ पे हम हमारा ध्यान काफी बार छूट जाता है. तो बस इसी के साथ में मेरा सेशन यहाँ पे एंड करना चाहूंगी. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत धन्यवाद हिमाली, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और आपने अवलोकन दिया. और मैं सिर्फ यही कहूंगी कि ये दिखाता है कि किस प्रकार से जब पॉलिटिकल विल एक्चुअली होती है और वो ग्राउंड पे दिखती कैसे है. तो आई थिंक गुजरात का वो जो आपने अभी जो भी कुछ आपने कहा इस उसका उदाहरण है. मैं यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहूंगी कि हमारे पास समय की बहुत कमी है. मैं अपने प्रतिभागियों और पैनलिस्ट से अनुमति चाहूंगी कि अगर हम 15 मिनट के लिए और इस सेशन को बढ़ा पाएं तो हमारे लिए बहुत मददगार होगा. तो अभी हम अपने नेक्स्ट पैनलिस्ट प्रभात जी की ओर जाएंगे. और प्रभात जी, आपने सभी स्पीकर्स को सुना, खासकर सरकार के प्रयासों को, और अनूप जी ने जो एग्जांपल दिया, संध्या ने जो प्रोसेस शेयर किया. मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि जो जो सर्वे किया गया, जो सर्वेक्षण सेव द चिल्ड्रन ने कोविड के दौरान किया, और खास तौर से ये देखते हुए कि बाल सुरक्षा को लेकर, बाल संरक्षण को लेकर क्या हमको देखने को मिल रहा है. और खासकर मैं इस कड़ी को जोड़ना चाहूंगी शुरुआत में जो हमने बात शुरू की थी कि केस मैनेजमेंट एक निरंतर प्रक्रिया है और फॉलो अप महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट. ये नहीं है कि बच्चे परिवार से जुड़ जाएं, पर इम्पोर्टेंट ये है कि वो वहां पर भी उनका विकास होता रहे, विकसित होते रहें और वो ठीक से अपना जीवन यापन करें. तो किस प्रकार से ये सर्वे, इससे क्या निष्कर्ष हुए, क्या रिकमेंडेशंस आपने रखी जो कि एडवोकेसी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगी और सेव द चिल्ड्रन के अपने प्रोग्राम्स के लिए भी उसमें एक डायरेक्शन मिली होगी. तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे. धन्यवाद ऋचा जी. आपको कट घर है मैं नहीं डालूंगा और मैं 5 से 7 मिनट के बीच कोशिश करूंगा कि अपना जो बोलना है वो बोल सकूं और फिर बिल्कुल बिल्कुल. और आप आराम से बोलिए क्योंकि हमने समय ले लिया है 15 मिनट. धन्यवाद. तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, ये जो हम लोगों ने सर्वे किया था 15 स्टेट में लगभग 7,000 रिस्पोंडेंट के साथ, रूरल और अर्बन एरिया दोनों में, और हम लोग सभी अभी काफी देर से बात कर रहे हैं कि एक बच्चा जिस परिवार में रहता है तो बच्चे का वेलबींग जो है वो उस परिवार की स्थिति पे डिपेंड करता है. और COVID-19 के समय जब सर्वे हम लोगों ने किया तो देखा कि परिवार भी बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं. तो मैं कुछ चैलेंजेस और कुछ फाइंडिंग्स रखना चाहूंगा और उस बात को भी याद दिलाना चाहूंगा जब अनूप जी ने बहुत अच्छा बोला कि उन्होंने एक जो केस स्टडी प्रेजेंट किया था जिसमें बोला संस्थागत, उस संस्थाकरण का क्या रीजन था, कारण क्या था जिस बच्चे के बारे में उन्होंने बताया, और बोला बड़ा परिवार, आर्थिक तंगी और शिक्षा का अभाव. तो लगभग यही फाइंडिंग इसमें भी हम लोगों के निकल गए जब हम लोगों ने हाउस होल्ड से ये पूछा कि एक एक घर में 3 सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है. तो लगभग 80% यानी हर 5 में से 4 परिवार ने यह बोला कि उनके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो आर्थिक तंगी है, कि उनके पास अपना रोजमर्रा के खर्च करने के लिए पैसे भी नहीं है. तो ये एक चैलेंज आया था. लगभग 75% यानी 4 में से 3 परिवार ने यह बोला कि आजीविका या जो उनके नौकरी चले गए थे या जो वो पेशा करते थे वो पेशा अभी लगता है कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम. आज थोड़ा इंटरनेट हम लोगों का साथ नहीं दे रहा है एक दो जगह पर. शायद प्रभात जी ने दूसरा उसी में एक और बात बताया कि शिक्षा के बाद ही बीच में थोड़ा सा अवरोध हो गया था क्योंकि आपका शायद कनेक्शन ड्रॉप हुआ था. अच्छा, हाँ, तो थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा जो आप बात कह रहे हैं. जब हम लोगों ने परिवार से पूछा था कि उनकी 3 सबसे महत्वपूर्ण तंगी क्या थी, क्या चैलेंजेस उनको COVID-19 पैंडेमिक के कारण लग रहे थे, तो सबसे बड़ा जो निकल गया था वो लगभग 5 में से 4 परिवार ने बोला, जो 80% परिवार ने बोला कि
उनके पास आर्थिक तंगी थी, पैसे नहीं थे कि वो अपने रोजमर्रा के खर्चे कर पाए। लगभग 4 में से 3 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने, 4 में से 3 परिवार ने यह बोला कि, यानी लगभग 75% जिन्होंने यह बोला कि उनके पास आजीविका के साधन नहीं है, और लगभग आधे परिवार ऐसे थे जिनके पास खाने पीने के लिए सफिशियंट फूड सप्लाईज भी नहीं थे, जो कि बाद के महीनों में थोड़ी सी इम्प्रूव हुई थी, पर वह भी बहुत एक बड़ी तंगी निकल के आई। तो मैं यही बता रहा था कि एक बच्चे का वेलबींग इसी बात पे डिपेंड करता है कि कैसे वह परिवार के पास क्या साधन है। वह अगर साधन परिवार के पास नहीं है तो बच्चे का केयर नहीं ले पाता है। तो ये हार्डशिप ऑफ हाउसहोल्ड जो हम लोगों ने देखा था, यह एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट इस स्टडी में निकल के आया था। दूसरा, जब हम लोगों ने यह पूछा कि क्या आपको किसी तरह का शिक्षा से जुड़ा हुआ एजुकेशन सपोर्ट मिला, तो उसमें भी जो कई फाइंडिंग्स था और जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि लगभग 42% हाउसहोल्ड ने यह बोला कि उनको किसी भी प्रकार का कोई मदद कहीं से नहीं मिला था। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और COVID-19 के समय, जिस समय कि बच्चे खेलने भी कहीं नहीं जा सकते थे, तो उनके पास घर तक भी ऐसे साधन नहीं पहुंचाए गए थे। अगर हम लोगों ने इसमें एक और चीज यह जानना चाहता कि कितने बच्चे जो हैं वो एजुकेशन को कंटिन्यू कर पा रहे हैं, या कोरोना का क्या ऐसा इम्पैक्ट होगा जो जिससे वो उभर नहीं पाएंगे। तो लगभग 62% बच्चों ने, परिवार ने यह बोला था कि उनके बच्चों ने एजुकेशन छोड़ दिया और वो कंटिन्यू नहीं कर रहे। यह एक बहुत बड़ा नंबर था, क्योंकि यानी आधा से भी काफी ऊपर नंबर था। जब हमने बाल सुरक्षा से रिलेटेड पूछा कि आपके क्या 3 ऐसे कंसर्न है जो बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा से रिलेटेड आपको कंसर्न करते, उन्होंने 3 जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल दिए वह यह दिया था कि एक तो बच्चा घर पे रह रहा है और वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, दूसरा दिया था कि वो बच्चे को सफिशियंट फूड खाना नहीं प्रोवाइड कर पा रहा, और तीसरा बोला था कि क्योंकि यह एक महामारी भी है और बीमारी भी है, तो कोरोना से इन्फेक्शन को भी उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला था। तो ये 3-4 इम्पोर्टेंट चीज थे जो ये बताते थे कि परिवारों की स्थिति ऐसी है कि अगर हम लोग चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन या रिहैबिलिटेशन की बात भी करें, तो उस इन स्थितियों को अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चा वापस उसी वल्नरेबिलिटी के चक्र में फंस जाता है। तो इनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तो सेव द चिल्ड्रन ने 4-5 काम किए, जो जिसमें सबसे पहले तो हम लोगों ने यह कोशिश किया कि क्योंकि आर्थिक तंगी और फूड सप्लाईज का इशू बताया था, तो यह किया कि जो सामाजिक सुरक्षा स्कीम है या रिलीफ प्रोविजन की तरह भी, कैसे फूड सिक्योरिटी हाउसहोल्ड को मिले, उनको सफिशियंट खाना पूरे समय मिले, तो यह सुनिश्चित कराया। और इसमें ज्यादा हम लोगों ने मदद सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लिया, जिसके लिए हम लोगों ने विलेज लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी, जो ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति की कई लोगों ने ये व्याख्या भी की कि यह कैसे काम कर सकता, उनका काफी मदद लिया। दूसरा, हम लोगों ने यह इंश्योर किया कि कैसे जो बाकी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी हो चाहे टीचर्स हो, वो कैसे बच्चों को ऐसे समय में भी सपोर्ट कर सकते और रिमोट लर्निंग चलते रहे, जिसके लिए कि वॉलंटियर्स के सपोर्ट से स्क्रिबल बोर्ड का सपोर्ट लिया गया। तो ना सिर्फ डिजिटल, क्योंकि डिजिटल पेनिट्रेशन जिन एरिया में लोग काम कर सकते हैं और जहां से बच्चे आते हैं बहुत कम भी है, तो जहां वो पॉसिबल नहीं था वहां रिमोट लर्निंग वॉलंटियर्स के सपोर्ट का हम लोगों ने हिस्सा लिया। यही मैं ब्रीफली कहना चाहूंगा। धन्यवाद ऋचा जी। धन्यवाद प्रभात जी। इस प्रकार के सर्वे जो भी इस दौरान हुए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर पर एक बड़ा पिक्चर हमें दिखाने के लिए। और आई एम श्योर डॉक्टर संध्या व्यास और हिमाली सहमत होंगे कि किस प्रकार से हम ये देख पाते हैं कि किस
कौन से प्रयास परिवार को मजबूत करने के लिए, परिवार को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सामुदायिक स्तर पर कैसे हम संसाधनों को इकट्ठा करें, एक साथ लाएं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान सेव द चिल्ड्रन का है। अभी हम लोग मैं समय को देखते हुए धन्यवाद देती हूँ कि हम 15 मिनट इसको हम एक्सटेंड कर पाए और इसके हम अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं। बिल्कुल, मैं अपने प्रतिभागियों को ये बताना चाहती हूँ कि मिरेकल फाउंडेशन ने जो एक बाल केंद्रित केस मैनेजमेंट टूल किट है जो वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसका लिंक आपके साथ यहाँ पर चैट में भी दिया गया है, miraclefoundationindia.in। इसके अलावा एक ईमेल आईडी भी है जो safelyhome@miraclefoundation.org, जिस पर आपके और भी जो प्रश्न हो या आप और भी चीजों के विषय में जानना चाहते हैं, खास तौर पर जब हम परिवार आधारित देखभाल, वैकल्पिक देखभाल की बात करते हैं विस्तृत रूप से, और आप हमको रीच आउट कर सकते हैं। एक मैंने जैसा शुरू में कहा था कि एक फीडबैक सर्वे इस वेबिनार का, उसका लिंक आपके साथ यहाँ पर शेयर किया जा रहा है, मेरे ख्याल से चैट बॉक्स में आप ये फीडबैक जरूर दें। इस पर आप क्लिक करेंगे तो सीधे आप गूगल फॉर्म पर इसको भर सकते हैं और इसको सबमिट करना मत भूलिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि आज पूरे वेबिनार में सबसे पहले हमारे सभी प्रतिभागी जिन्होंने इतने उत्साह के साथ इसमें भागीदारी की, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पैनलिस्ट आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले इंग्लिश वेबिनार और हिंदी वेबिनार दोनों में जुड़ने के लिए, और आज डॉक्टर संध्या व्यास और अनूप जी पहली बार हमारे साथ जुड़े, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपको रीच आउट करेंगे आपकी सपोर्ट के लिए, क्योंकि ये पहला वेबिनार है हिंदी में और जो मिरेकल फाउंडेशन इंडिया ने होस्ट किया है, और आगे और भी हम वेबिनार्स और डिस्कशंस को की प्लानिंग करेंगे। हाँ जी, अच्छा एक सवाल है प्रभात के लिए, अगर आप क्वेश्चन बॉक्स में देख सकें तो। हाँ, वो सवाल है जी, समय के हिसाब से इसीलिए हमने इसको नहीं लिया था अभी, लेकिन प्रभात यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि खासकर उन बच्चों के लिए जो ब्रिक फील्ड में है, उनकी स्थिति को लेकर किस प्रकार से उनकी स्थिति को लेकर उसके साथ क्या किया जा सकता है उन बच्चों के लिए, ये हमारे प्रतिभागी ने ये सवाल यहाँ पे दिया है, आप इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि ये आंध्र प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में हम लोगों ने ब्रिकलिंस के साथ काम भी किया, और यूजुअली आप कहीं के ब्रिकलिंस पे देखेंगे तो माइग्रेंट पॉपुलेशन बहुत हाई होते हैं। अगर वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल दो जहाँ हम लोगों ने काम किया था, वहाँ ज्यादातर झारखंड के बच्चे जाते थे, और जो आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल यानी आप तेलंगाना का एग्जाम्पल है, वहाँ पे ज्यादा उड़ीसा के बच्चे जाया करते थे। तो वहाँ पे जो ऐसे तो बहुत बहुत प्रयास कई चीजें करनी चाहिए, लेकिन जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा, जितने भी यूनिवर्सल स्कीम्स है ना, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे आंगनवाड़ी सेंटर्स हो, या अभी जैसे टॉयलेट्स की बात होती है तो ये टॉयलेट अवेलेबिलिटी, तो ये जो यूनिवर्सलाइजेशन यूनिवर्सल एक्सेस टू स्कीम है, ये इन सारे ब्रिकलिंस में मैंडेटरी रहने चाहिए कि वो ब्रिकलिन ओनर्स और वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मिलके उनको प्रोवाइड करें। तो ये हम लोगों ने देखा है कि जब ऐसे होता है तो उनको इम्यूनाइजेशन सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज ये सारे मिलने लगते हैं, और ये टाइप में होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला माइग्रेंट है, तो अगर आप आंगनवाड़ी सेंटर के लिए करते हैं तो कैसे वो जब वापस आते हैं तो यहाँ पे उनका वहीं से कंटिन्यू होना चाहिए एजुकेशन। तो इसके लिए वेल डॉक्यूमेंटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं और हम लोग शेयर भी कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल स्कीम के एक्सेस का कम से कम आंगनवाड़ी सेंटर, टीचर का प्रोविजन, और यानी जब मैं आंगनवाड़ी सेंटर बोल रहा हूँ तो पूरे उसके सारे सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए। धन्यवाद प्रभात। तो इसी के साथ हम इस वेबिनार की समाप्ति की ओर हैं, और बहुत इम्पोर्टेंट है अंत में
हमें धन्यवाद देना है आयोजन समिति को मिरेकल फाउंडेशन इंडिया की, जिसमें अंजलि सूद और यमुना मेनन ने जिसका नेतृत्व किया है, और पूरी समिति के मेंबर्स, इसके अलावा मिरेकल फाउंडेशन की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे के वेबिनार्स के विषय में हम आप सभी प्रतिभागियों के साथ जानकारी शेयर करते रहेंगे। और मैं यही कहूंगी कि ये हम शुरुआत कर रहे हैं, खास तौर पर इस वेबिनार को होस्ट करके इस पूरी आंदोलन में एक आगे बढ़ रहे हैं, जो पुनः एकीकरण और परिवार आधारित देखभाल की ओर है। और यहाँ पर मिलकर हम लोग एक्शन पर फोकस करें। ये वेबिनार में जो कुछ भी हम ले यहाँ से ले रहे हैं, अपनी अपनी जानकारी को, अपनी स्किल्स को और मजबूत करके और इसको कार्यान्वित करें, यही मेरा अनुरोध है, जिससे कि हम बच्चों के जीवन में एक बदलाव ला सकें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ हम यहाँ पे इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू।